पेंसिल यहाँ पे छुपा देता हूँ। हाँ, कल शाम को आके हम इसे निकाल लेंगे। रुक्मणी, ए रुकू, तुझे वो चक्री चाहिए। ए राजा, रुक्मणी को चक्री चाहिए। ये लो हाँ, बड़ा आया चक्री लेने वाला। लड़की ने कहा और हीरो आ गया अपनी हीरोपंती दिखाने। चलो चलो। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। राजा, माधव तेरी चक्री लेकर भाग रहा है। रुक चल जल्दी। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा पीताम्बर सेठ। कब्र में दफन होने की कगार पर हो, क्या मेरा पैसा भी दफना दोगे? सूद तो चुका नहीं पाए, मुद्दर कब चुकाओगे? कुछ तो दया कीजिए, मैंने आपका कर्ज चुकाने के लिए 5 एकड़ जमीन पहले ही गिरवी रखी है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे खैरात बाती। अगर सर से छत छिन गई तो मेरे बच्चों को भीख मांगने पड़ेगी, इन पर रहम कीजिए। अगर तुम जैसे गरीब भीख मंगो पर हम रहम करने लगे तो हमें तबला बजाना पड़ेगा। देख क्या रहे हो, उठा के फेंको इसे यहाँ से। चलो इसे। बाहर जो गाँव वाले हैं उन्हें भी थोड़ा तमाशा दिखाते हैं। पहले ही आपके पास मेरी जमीन गिरवी पड़ी है, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। पापा, माधव मेरा फ्रेंड है, इसे घर से मत निकालिए। रुक्मणी, तू उस माधव के साथ यहाँ वहाँ घूमना बंद कर दे। कुलवंत, समझा इसे। आप ही की गलती है भाई साहब, आप ही ने इतनी छूट दे रखी है इसे, इसीलिए ये बिगड़ती जा रही है। इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, बोर्डिंग स्कूल ठीक रहेगा। बिल्कुल सही बात कही। चलो आप लोग निकलो। कौन है, कौन है? चाँदा, चाँदा, नहीं उठेगी। घोड़े पेच कर सोती है और बांस की तरह चौकीदारी मुझे करनी पड़ती है। एक दिन तेरे लिए दूध बिना चूहे मारने का जहर मिला दूंगा। चल भाग यहाँ से। जब मैं चोरी करने घर से निकलता हूँ तब हथियार साथ लेकर निकलता हूँ, और वो हथियार ये छोटे छोटे कीले हैं। अगर इस बिरजू को किसी ने हाथ भी लगाया तो बिरजू उसे इन कीलों से छलनी छलनी कर देगा। हैं? तुम उस शंकर के बेटे हो ना? हाँ। छोटा कद और बड़ा हाथ, इतने पैसे कहाँ से मिले? ला मुझे दे। हाँ? बापरे, चोरी करके लाया। करनी पड़ी, पीताम्बर सेठ ने धोखे से हमारी सारी जमीन गिरवी रख ली। पापा को कर्ज चुकाना है तो फिर मैं क्या करता? सही किया, ये ले रख पैसे। ऐसे रोने का नहीं, मैं भी चोर हूँ लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। ये ले पकड़। पर ये बता, ये तूने चुराए कहाँ से? पीताम्बर के घर से। वाह मुन्ना, तू तो इस उस्ताद का भी उस्ताद निकला। पर ये बता, ये तेरे करियर की पहली चोरी है ना? है ना? तो चल संभल कर मुन्ना, नीचे पत्थर है। मुन्ना, एक बार चोरी की आदत लग गई तो फिर वो कभी नहीं छूटती। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तब हम उसे चोरी करके हासिल करते हैं। हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, पर पकड़े जाने के बाद बहुत पिटाई होती है।
बेटे एक बार चोर का ठप्पा तुम्हारे माथे पर लग गया तो फिर समझो वो कभी नहीं मिटता। चोरी के इस दलदल में तुम मत गिरो बेटा, हाँ फिर कभी चोरी मत करना। चलो पापा। ए माधव, तेरे पापा मर गए। बाप मर गया तेरा? अच्छा हुआ उसके मरने से पहले ही मैंने घर पे कब्जा कर लिया, वरना गांव में मेरी बदनामी होती। लोग कहते कि मरने के बाद मैंने उसका घर हड़प लिया है। मुझे तो इनकी चिंता है कि इन बेचारों का अब क्या होगा। कल का मरता आज मरे, अनाज तो धरती पर भोजी होते हैं। पैसे? मुझे लगा बम फेंका। पैसों की ऐसी बरसात पड़े हो कभी करते रहना। और सिर्फ इनका ही नहीं मेरा भी ख्याल रखना बेटा। और सुन, जैसे ये ब्याज दिया है ऐसे ही बाकी ब्याज भी देते रहना। चलो माधव, मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ। इससे परमिशन ले लिए, चल चल जल्दी निकल। मजबूरी में चोरी करने की आदत ने माधव को आगे जाकर शातिर चोर बना दिया। छोटा माधव उम्र के साथ बड़ा चोर बनता गया। बिरजू चाचा बुढ़े हो चुके थे इसलिए उन्होंने चोरी का पेशा छोड़ दिया और उनकी जगह माधव ने तन मन धन से चोरी करने की शपथ ली। माधव को कोई भी गेटअप दे दो, चोर होकर लगता वो सुपरस्टार ही था। चोरी करने का इसका स्टाइल सबसे हटके था। दुश्मन का लुट जाए सब कुछ जब माधव सहलाए अपनी मूछ। कार्यक्रम आरंभ किया जाए। सभाजनों, मेरा प्रस्ताव पढ़कर आज आप सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ तक कि विदेश से भी आ गए हैं और मैं आप सबका यहाँ आनंदित मन से स्वागत और अभिवादन करता हूँ। आप में से जो भी इस धनुष को अपने लेफ्ट हैंड से उठाकर राइट हैंड से तोड़ेगा उसे राजा की बेटी चॉकलेट देगी और स्वयं राजा उसे राजगद्दी देंगे। मामा, हमें तो कुछ और चाहिए। मेरे प्यारे भांजे, राजा तो खुद कड़का है। उसके पास सड़ी हुई राजगद्दी के अलावा और कुछ देने के लिए है ही नहीं। पर यह धनुष असली सोने का बना हुआ है, अगर इसे लेके तुम यहाँ से खिसक लेते हो तो हमें बहुत माल मिलेगा। स्टैचू बनकर क्यों खड़े हो, भागो। वाह क्या बात है, इसने धनुष उठाया और भागा। अवश्य ये महान पुरुष है। महान पुरुष नहीं, महान चोर है। पकड़ लो उसे। छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे मुझे घर का किराया भरना है। छोड़ो छोड़ो। भैया आंखें मत खोलना। क्यों बहना? आज किशन जी का जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले उन्हें देखो। जल्दी दिखा, मैं भी कुछ पुण्य कमा लूँ, मेरे पापों का घड़ा भर गया है। अगर रात को हनुमान जी का नाम लेकर सोओगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे। पर उनकी तरह क्या मैं पीताम्बर सेठ की लंका जला सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पर दर्शन करने के बाद। बहना ये कटहल तो मैंने सावित्री के खेत से चुराया था। कृष्णा? कृष्णा के खेत से तो मैंने गन्ना चुराया था और साथ में वो दिया भी। वो कृष्णा नहीं, कृष्ण भगवान है। अच्छा वो कृष्णा जो मक्खन चोर थे। मेरे आदर्श, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कृष्ण भगवान हर मुसीबत से तुम्हें बचाएंगे, पहले वादा करो तुम चोरी नहीं करोगे। पहले उनसे कहो। भगवान जी से? कृष्णा जाओ नाश्ता ले आओ। अरे तुझे ही बुला रहे थे। मालती, मालती। क्या हुआ? मेहनत से चोरी किए हुए बर्तन बाहर मत रखो, आसपास वाले वापस ले जाएंगे। लोगों को पता चलेगा तो ही फेमस होंगे। अबे फेमस तो तू भीख मांग के भी हो सकता है। जन्माष्टमी का कितना चंदा जमा हुआ? चंदे को मारो गोली, गली के कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए थे। तुम्हारी बदमाशियां देखकर क्या लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी? छोटी बहना,
मुझे कम मत समझो। लाखों लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं जब मैं सुर में बांसुरी बजाना शुरू करता हूँ, पर आजकल थोड़ी कड़की छाई है। भैया रक्षाबंधन में कभी खुद को आजमा लेना। कुछ नहीं होगा, 0% लड़कियां मुझ जैसे मजनू की बहनें बनेंगी। मैं गांव का कन्हैया जो ठहरा। झूठ बोलने का नहीं, ये काट लेगा। ये बता, पीताम्बर सेठ के घर जाकर चंदा मांगा कि नहीं? हाँ मांगा, और आधा घंटा उसका भेजा भी खाया, पर साले कंजूस ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। और मेकअप पे किया हुआ सारा खर्चा पानी में चला गया। सुनो दोस्तों, वो अपनी जेब ढीली नहीं करेगा, लेकिन उसकी तिजोरी से माल खाली करना मुझे अच्छी तरह से आता है। उसने तेरा कृष्ण अवतार देखा, अब मेरा रुद्र अवतार देखेगा। अरे तुझे कौन चला रहा है? यहाँ पटाखे चलाने की हिम्मत किसने की? सेना, तोप की सलामी दो। लाल, पीली, नीली, हरी, खुरदरी, छिछी, नास पिटे कहीं के, यही देखना बाकी था। दन 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 दन। अरे बाबूराव ऊपर क्यों देख रहे हो? गर्दन में मोच आई है, दिखता नहीं? अंधा कहीं का। ला 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 ला। अंधे हो गए क्या? अपने बंबू का ध्यान नहीं रख सकता और मुझे अंधा कह रहा है? बनियान पर पहनने के लिए शर्ट तक नहीं और अकड़ दिखा रहा है। चल बंबू ले, निकल, बैग पकड़ा, चल खिसक। आ, 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 कितना बड़ा बंबू है। ओए उल्लू के पट्टे, कौन है बे? क्यों बाबूराव, घर में बीवी ने धुलाई कर दी जो गर्दन टेढ़ी हो गई। ऊपर देखो, ऊपर। मैं हूँ लाइनमैन जोसेफ। तुम उसके बंबू से क्यों खेल रहे थे? तुम बंदर की तरह हमेशा बंबू पर क्यों चढ़े रहते हो? अब जरा नीचे आकर मुझसे बात करो। चलो नीचे आओ। नहीं आऊंगा। पर क्यों? अरे अगर मैं नीचे आ गया तो गांव के फ्यूज कौन लगाएगा? एक राज की बात बताओ। क्या? आज सुबह तेरे मालिक ने बहुत ही खास चीज देख ली, वो भी बिना टिकट के पैसे दिए, समझा? खास चीज देखी, वो भी बिना टिकट के? लगता है मुझे भी सुबह सुबह मालिक के घर पर ही जाना चाहिए था देखने के लिए। अभी जाता हूँ, शायद देखने मिल जाए। माफ करना, गर्दन अकड़ गई है, इसकी नियत ठीक नहीं है। इनके टकराने पर एक घूंट तो बनता है। और सुन, कोई चेक पोस्ट पर रोके तो कह देना पीताम्बर सेठ का माल है। इस उम्र में आपको ये शोभा नहीं देता। चुप रहे, इस नीले रंग से तो मुझे तुझ पर भी शक होता है। ये सब माधव की करतूत है। इसलिए तुम मेरी लुंगी में झांक रहे हो? सबूत के लिए तो मैं कहीं भी झांक सकता हूँ। तेरा पैर नीला क्यों है? वो क्या है ना, मैंने नया कच्चा खरीदा है, वो रंग छोड़ रहा है। ए, रंग से मुझे छूना मत लगा, बहुत रंगीला हूँ। इतना खुश क्यों हो? सुबह किसी मुर्गे को बांग देते देख लिया क्या? आज तुम्हें देर कैसे हो गई? कद्दू से टकरा गया था। मैंने सुना तुमने सुबह सुबह कोई खास चीज देखी। तुम्हें पता चल गया, इसीलिए तो तुमसे मिलने भागा चला आया। चलो मुझे भी दिखाओ। दिखाता हूँ। चलो। ए, कहीं जाना मत, तुझसे सच उगलवाना बाकी है। चलो अंदर चलें। जा बेटा। अंदर क्यों ले जा रहा है? कहीं दिखा के पैसे ना मांग ले। देखता हूँ। ये तो गया। ओ, नर्क का द्वार, मर गया। मैंने भी 5 नर्क देखे थे। फिर भी तुम्हारी आंखें सूझी नहीं, अब क्या करोगे? जिन्होंने मुझे नर्क दिखाए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उनमें से एक का नर्क नीला था। नीले रंग का था? मैंने सफेद रंग का सुना है, काले रंग का सुना है, पर ये नीले रंग का नर्क कहाँ से आ गया? फिक्र मत करो, पुलिस में कंप्लेन लिखवा दो। उन्होंने तो कई नर्क देखे होंगे। एक बार फिर से देख लोगे तो पहचान पाओगे। तुम चाहते हो कि मालिक पूरे गांव के पिछवाड़े का मुआयना करे? हाँ, इससे सुराग मिल जाएगा। एक बार देखने में मुझे उल्टी हुई थी, तू वही चीज मुझे बार बार दिखा के अस्थमा देना चाहता है क्या? पीताम्बर सेठ, हमें दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। अब जरा सुनो, अच्छा है उन्होंने आपको पीछे से नर्क ही दिखाया, अगर आगे से स्वर्ग दिखा देते तो क्या हालत होती, सोचा है? अरे ताऊ, शरीर के जिस हिस्से की बात कर रहे हो उसकी FIR कैसे लिखूं मैं? अगर आपको शरीर का हिस्सा लिखने में इतनी तकलीफ हो रही है तो लिख दीजिए कि उन्होंने डिक्कियां दिखाई। अरे देख भाई, मैं डिक्की फिक्की ऐसा ना लिखने वाला। ये बात है, डिक्कियां लिखने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो ये सोचिए देखने में मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप, डिक्कियां लिखने में प्रॉब्लम है आपको, पुलिस में कैसे आ गए आप? अरे महाराज, हमारे पुलिस महकमे में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। अरे मस्ती की होगी उन्होंने, इब जान भी दो यार। मैं डिक्कियां नहीं भूला, कैसे जाने दो? आप FIR को छोड़िए, उन लोगों की हड्डियां तोड़ने का आप क्या लेंगे ये बताइए पहले। ताओ, थारी गर्दन टूटी तो मैं क्या सबकी हड्डियां तोड़ दूं? पुलिस स्टेशन है, फिश मार्केट नहीं। आप FIR लिख रहे हैं या मैं चीफ मिनिस्टर को फोन लगाऊं? ये PCO बूथ नहीं है भाई, पैसे ये देंगे। ए, चुप। इंस्पेक्टर, हम यहाँ सीरियस कंप्लेंट लिखवाने आए हैं, मजाक छोड़िए, FIR दर्ज कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है।
बाद में मेरी पहुंच भी देख लीजिएगा कहां तक है। ताऊ मेरी बात सुन, केस करने के बाद जज क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? सबूत मांगेंगे। हाँ, हम दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? डिक्की। डिक्की? हाँ। बड़ गई फिल्म, फोटो खींचेंगे, पूरा शहर इनकी डिक्की फ्री में देखेगा। पर रताऊ अब ये सब चक्कर छोड़, मैं उनको समझा दूंगा भाई। अब जा, मुझे भी बहुत काम है भाई। चला, आज तो पीछे से वार किया है, कल आगे से वार करेंगे तो क्या होगा? इंस्पेक्टर बने फिरते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। डिक्की दिखाने में कोई केस नहीं बनता ना? ना को अगर हम दिखा दिया बेशरम सांड कहीं के। माधव भैया मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। नारायण लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा मेरे लिए जूते नहीं लाए, एक बार अपने मुझे घुमा दो। तू चिंता मत कर, जूनियर माधव ने अपनी मूछ पर हाथ फेर दिया है, अब तुझे जूते मिल जाएंगे। लफंगो मेरी नकल करते हो, तुम सबकी देखभाल मैं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो जाओ जाओ। अरे चाचा यहाँ कैसे? अरे पीताम्बर सेठ ने मेरी मोटर अपने खेत में छुपा दी है। चाचा फिक्र मत करिए, मोटर चाहे उसके खेत में हो पानी तुम्हें मिलेगा, मीटर चाहे तुम्हारे खेत में हो बिल उसे आएगा। वो कैसे? मुझ पर छोड़ दो। माधव जब मूछों को ताव देता है ना, नदी भी अपना रास्ता बदल देती है। जुग जुग जियो और सदा चोरी करो। रस्सी तो दो, मेरे काम आएगी। तुम जैसे चोर अगर गांव-गांव में बस जाए तो भारत का कल्याण हो जाए। तारीफ कर रहा हूँ। अरे तेरी चोर को चोरी कहूंगा ना, अगर चोरी नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या? अंडरवियर तक के भी बांधे हो जाएंगे। कौन है? मैं हूँ। अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे? बेटे 500 रुपए चाहिए थे, वापस कर दूंगा। वापस देंगे तो नहीं दूंगा? तो नहीं दूंगा। तो फिर क्यों दूं? ओ देखो माधव, मुझे ऐसे बातों में उलझाओ मत, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में 500 रुपए नहीं दे सकते। चाहिए क्यों? वो पास के गांव में दास की बेटी की शादी है ना, इसलिए। और शादी तो कल है। हाँ कल ही है, मगर आज चलना शुरू करूंगा तभी तो कल पहुंचूंगा, मैं उनका स्पेशल गेस्ट हूँ। चाची नहीं आ रही है? वो तो कल ही निकलेंगी। क्यों? अरे एक दिन दूर रहूंगा तभी तो प्यार बढ़ेगा। अरे भागो, इंस्पेक्टर आएगा। कुछ नहीं करेंगे, अगर पुलिस को देख के हम नहीं भागे तो वो सोचेंगे हमने अपना धंधा बदल लिया है। क्यों भाई, मन ने देख के ये भाग रहा क्यों है? पुलिस को देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आप यहाँ कैसे? क्यों परेशान कर रहा है पीताम्बर को? हा? वो थाने में आके कोई तेरी शिकायत कर रहा था, मैंने समझा बुझा कर भेज दिया। आप ये बताने यहाँ तक आए, मुझे बुला लेते। मुझे लगता है काम से आए हैं। ये बालक कौन? संभाल कर पुलिस वाला है। मैंने एक जरूरी काम था। अरे बोलिए ना साहब। बेटी की शादी करवानी है, पास में फूटी कोडी तक ना आए और शादी फ्री में ना हो, मैंने पता है तू मेरी मदद कर सकता है। कितना पैसा चाहिए? यही कोई 50,000। 50,000? बहुत ज्यादा, इतने पैसे मैं कहाँ से चुराऊंगा? तुम और तुम्हारे भाई ने इसकी शादी के लिए तो पैसे जमा किए होंगे ना? मेरा भाई वो भाभी के साथ शादी करके घर जमाई बन गया, वो मालती की शादी में 1 रुपया नहीं देने वाला है। देख तू अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार गाँव वालों से तो मांग कर देखिए। कोई भी नहीं देगा, उन्हें लगता है कि मैं वापस नहीं करूँगा, पुलिस वाला जो हूँ। भाई मैं हमारा घर गिरवी रखने को तैयार हूँ, पर वो भी पीताम्बर के पास धरा है। इब तो मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ ना है, ये सोच सोच के मेरा सिर फटा जा रहा है। चल भाई देखते हैं, जो उसने मंजूर होगा वो होगा। जोसफ है? जोसफ उठना। अनारकली इतना जोसफ साला सोते हुए भी मुगले आजम देख रहा है। ए जोसफ उठना, राक्षस के घर की बत्ती गुल करनी है। अरे चिल्ला मत, मैं माधव हूँ यार। तुम हो क्या? मुझे लगा शौक से मरा हुआ कोई भूत पेड़ से उतर के नीचे आ गया है। इतनी रात को क्यों आए हो? कोई बैंक लूटना है क्या? ये रख, फ्यूज निकालना है। पैसे और तुमसे? अरे रख ले यार। ना। पर क्यों? एक नोट से मेरा क्या होगा, एक और नोट निकालो। और क्यों? जब देना है तो पूरा दे दो ना, उधारी नहीं रखनी बाबा। ये ले रख। ओके थैंक यू, तुम जाओ मैं सब सामान। और क्वार्टर पिएगा तो मैटर भूल जाएगा, काम पे लग जा। अरे भाई कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। तुम जीरोक्स ले जाओगे तो क्या, ओरिजिनल तो मेरे पास में ही है। मेरे साथ
कौन है? कौन छुपा यहाँ? कोई है? मेरी चाबी, शांता, शांता उठ। अरे कुंभकर्ण की माँ, मेरी चाबी चली गई। पाल से भरी तिजोरी की चाबी है वो। कहाँ चली गई थी मेरी जान ने तू? अरे वाह प्रभा, तुम्हारी रंगोली के रंग तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो। जल्दी से एक अच्छा लड़का देख लो और अपने हाथ पीले कर लो, और ऐसी रंगोली जाकर पति के आंगन में निकालना, वो बहुत खुश होगा। रे भाई, इसको यही तो 100 का पूरा करने दो, वरना गरीबों की क्या मजाल। ले ले साहब, हमेशा गरीबी का दुखड़ा मत रो, मैं यहाँ से कुछ नहीं चुराने वाला। रे हमारे घर में वैसे भी चोरी करने के लिए रखा क्या है, इब तो लगता है इसकी शादी का वास्ता मन भी चोरी करनी पड़ेगी। मेरे होते हुए आप चोरी क्यों करेंगे? ये लीजिए, आपके लिए कुछ लाया हूं। यो क्या है भाई? खोल कर देखिए। हमारे घर के कागज पीताम्बर ने पूछा है ना? पूछने वाला था, पर वो गहरी नींद में था, मैंने सोचा काय को जगाऊं, इसीलिए तिजोरी खोल कर ले आया। उसने पता चला तो? देखा जाएगा। पहले घर के कागजात बैंक में दे दो और लोन ले लो, फिर पितामर का कर्जा चुकता करके बेटी की शादी करवा दो। कैसा लगा मेरा दिमाग? अरे लड़की का ब्याह करवाना रोटी खान जितना आसान नहीं, दहेज कहाँ से आएगा? गांव में ऐसा एक लड़का है जो आपकी बेटी से 1 रुपए में शादी करेगा। क्या कहा? ऐसा लड़का भी है? तो भाई बता कौन है वो? लड़का नेक है पर नाइट ड्यूटी करता है। मेहनती इंसान को नाइट ड्यूटी से क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद तो घर में रहेगा। हाँ, पर सोता हुआ। क्या? और वो प्रभा से ज्यादा आपके साथ वक्त बिताएगा। हमारे साथ? चौकी में भी आपको कंपनी देगा ना। पुलिस वाला है क्या? छी, उसे गुजारे के लिए किसी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं। जहाँ हाथ रखता है पैसा बरसता है, मतलब जहाँ पैसा दिखता है हाथ अपने आप पहुँच जाता है। वाह भाई, कोई डॉक्टर इंजीनियर है के? कौन है वो? मैं। नालायक, चिकनी सूरत की बेइज्जती मत करो, अच्छा नहीं लगता। थोबड़े में क्या गड़बड़ है, दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम थोड़ी हूँ। क्यों प्रभा, कैसा लगता हूँ? चलता हूँ चाचा, सोऊंगा नहीं तो नाइट ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। वाह, पहली बार ऐसा खाया। जल्दी से हमें लड़की दिखा दीजिए, हमारे गांव को एक ही बस है, वो भी गवर्नमेंट की। आज का दिन रुक जाइए ना। नहीं, हमारा तंबाकू का धंधा है, मैनेजर के भरोसे छोड़ा है, अगर यहाँ रुके तो सब चौपट कर देगा। कैसी लगी? बस शक्कर थोड़ी ज्यादा है। अरे मिठाई की नहीं, लड़की की बात कर रहे हैं। अरे तो माँ से पूछो ना यार। मेरा लाडला बच्चा, मुझे तो पसंद है, लड़की तो सास बहू के सीरियल की हीरोइन लगती है। अच्छा जी, हम चलते हैं। आपके गांव को एक ही बस है, गवर्नमेंट की। चलो बेटा। माँ थोड़ी मिठाई ले लूं? हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ, ये लो ये लो, ये भी ले लो, खाते खाते जाना। लड़का बहुत ही नेक लगता है। आपने लड़के के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? क्या मतलब, तुझसे पूछना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है, हमारी एक ही बहन है, मैं उस पागल से शादी कर दूं? अब वो पागल नहीं है। मतलब पहले वो पागल था? दूसरों में कमी निकालने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन के बारे में चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। जाता। बोलने दीजिए मुझे, वो मेरी भी तो ननद है, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं? इसीलिए तो मैं उसके लिए रिश्ता लेकर आई, और आप मुझे ही चुप करा रहे हैं। मुझे तो अभी से इंदु बेटी की शादी की फिक्र होने लगी है। सुन मालती, तेरा माधव भैया ना नवाब खानदान का लड़का ढूंढ कर तेरी उससे शादी करवाएगा, फिर तू ऐश करना, खाने के लाले पड़े हैं पर सपने देखेंगे बड़े बड़े। हाँ चलो जी, चल इंदु। क्या सोच रहे हो भैया, जाओ अपनी बहन के लिए कोई राजकुमार ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, तुम तो रोने लगे भैया। और क्या करूं, मैं चोर हूँ इसलिए तुम्हारी शादी। बस बस, बड़े भैया साहब होकर भी हमारी क्या मदद कर रहे हैं सब जानते, मैं क्या हूँ और मुझे कौन पाल रहा है ये मैं जानती हूँ। चलो भैया, आप खाना खाते हैं। बड़े बदमाश हो तुम। अब देखना बेटे, मैं कहानी में कैसे ट्विस्ट लाता हूँ। तुम खाते क्या हो? आयरन जो खाता हूँ। आयरन मतलब तुम लोहा खाते हो? अरे नहीं रे मेरे दिल की रानी, मेरी बॉडी में आयरन इसलिए है क्योंकि मैं हरी सब्जियाँ खाता हूँ। हाँ, भरी भरी के लिए। जब जवान था और कुश्ती खेलता था तो 10 जवानों पर चढ़कर बैठ जाता था, हर कोई मेरा नाम सुनकर डर जाता था, लड़कियाँ मेरे आगे पीछे तितली बनकर मंडराती थी।
सिर्फ बातें ही करोगे? अरे तो आ जाओ फिर कुश्ती खेलते हैं। जो मजा जवानी में आया करता था वो तुम बुढ़ापे में दे रही हो। अरे वो मंगलसूत्र है। इन चाबियों को गले में क्यों लटकाते हो? देखो तुम्हारे लिए मंगलसूत्र जरूरी है, मेरे लिए चाबियाँ। अब चलता हूँ। कब आओगे? ए आयरन मैन, कौन है यहाँ? माधो तुम भी रेशमा के पास आए थे? अरे आम खाकर गुटली मुझ पर फेंक रहे हो, नाइट ड्यूटी पूरी हो गई। मैं तो ये देखने आया था कि कोई उसे छेड़ तो नहीं रहा। तो छेड़ के आ रहे हो और शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। वो एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा करती है, वही ले रहा था। आयरन बॉडी नहीं, एक दूंगा तो सब्जियां बाहर आ जाएंगी। क्या तुमने सब कुछ देख लिया है? 65% देखा और 100% सुना। अगर तेरी माल के फौजी को पता चला तो तेरी धोती उतार कर तुझे गधे पे बिठा कर पटाखे लगा कर उड़ा देगा। अरे गाँव वालों, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। जो बोलोगे मैं करूंगा। तूने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाकर उनसे कितनी जमीन हड़पी थी? वो 5 एकड़ जमीन। वो वापस नहीं चाहिए, मुझे लीज पर चाहिए। उसमें करेले उगते हैं। उगते थे, अब से मैं उसमें आयरन उगाऊंगा। आयरन मतलब हरी सब्जियां। जमीन ले लेना। पीताम्बर तू कहीं भूल ना जाए इसलिए कान के नीचे लगाऊं। मेरी अकल दान निकल रही है। ये बता तेरे माल का माल चोरी करूं? रुक जाओ, आज जाओगे तो शक मुझ पर होगा। ठीक है तो परसों चोरी करता हूं। परसों जाओगे तो भी शक मुझ पर ही होगा। तो ये कहानी एक एपिसोड की नहीं है, डेली सोप है मजनू। कूद जा, कूद ना, कूद। टेढ़े मेढ़े, कौन बोला रे? अरे उधर ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे। बम बम बोले 2 घूंट पिला दे। बीच में क्यों लटका है? ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है? वही भूल गया इसलिए रुक गया हूँ, तू ही बता क्या करूँ। पूरी जिंदगी तूने फ्यूज निकालने का ही काम किया है, कभी जोड़ा भी है? बस खंभे पर चढ़कर मुफ्त की पगार खाता है। कलेक्टर से शिकायत करके तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। अबे हटे ले, अगर तूने सीएम को बताया तो पता है क्या होगा? वो मेरी तरक्की कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं काम करता हूँ। तुझे एक शॉकिंग न्यूज दूं? बोल। रामू कुत्ता गोद लेना चाहता है। तो तू ही क्यों नहीं चला जाता? पूरा दिन उसके कान में भौंकते रहना तू। तुझे बिना पट्टे वाला नहीं, पट्टे वाला कुत्ता चाहिए। अरे असली न्यूज ये है कि कल रात तेरा मालिक रंगे हाथ पकड़ा गया। कल रात देर तक मैं उनके साथ था। लगता है जैसे सांड को गन्ने के खेत में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। अबे तेड़े जाकर अपने मालिक की करतूत देख, तेरा भी रोम रोम मचल उठेगा। क्या बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनो ए बेवकूफ, दुनिया के किसी भी कोने में सारे जरूरी लेन देन आधी रात के बाद ही शुरू होते हैं। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मरने के लिए करंट फ्री है, बोल दो। ए, तुझे मैं बाद में देखता हूं। बाद में देख लेना, चल दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं गुस्सा। ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट। माफ करना, जानबूझ कर नहीं किया, अनजाने में किया, पर अच्छा लगा। अरमान पूरे कर देगी ये तो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, 10,000 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, मंजूर हो तो बोलो। 10,000 तो ज्यादा है, 9,000 ले लो। जरा कम करो। कम करूं? 10,500। कम करने को कहा, बढ़ाने को नहीं। पीताम्बर सेठ के साथ भावताव कर रहे हो? मैंने जो बोल दिया वही फाइनल है। बुढ़े की बात मान लो। अबे तू बुढ़ा है, इसे मोल भाव करने के लिए लाए हो यहाँ? थोड़ा तो कम करो। क्या पीताम्बर सेठ, 9,500 ले लो, धंधे में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। इसमें मत बोलो, जाओ यहाँ से। मान जाएंगे हा? मेरी आज तक कोई भी बात इन्होंने टाली नहीं है, क्योंकि इनका राज मैं ही जानता हूँ। कौन सा राज? तुम्हें क्यों बताऊं? चलो जल्दी से इनको पैसे दे दो, करेले का जूस इनके लिए भेजना मत भूलना। अरे मैं 9,500 में बेचूं या फ्री में दे दूं, तुझे क्या लेना देना इसमें? तू अपनी गंदी टांग बीच में क्यों खड़ा रहा है? करेले बिकेंगे तभी तो सब्जियां उगाऊंगा। क्या क्या तू सब्जियां उगाएगा? तो फिर तेरा चोरी का बिजनेस कौन संभालेगा? ये बता, डीज एग्रीमेंट तेरे नाम से बनाऊं या तेरे स्वर्गीय बाप के नाम से? पोल खोल दूं क्या? खोल दे, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। फौजी को बुलाऊं? कल रात का सीन भूल गया क्या? मुझे इस तरह ब्लैकमेल करेगा तू? बुला ले पूरे गांव वालों को। ऐसी धमकियों से पीताम्बर से नहीं डरने वाला। हे फौजी, हे परशुराम, हे गणपत, कोई नहीं आएगा, समझा? याद रखना, फौजी की बीवी को अगर बदनाम किया तो ये सारे गांव वाले मिलकर तुझे निकाल देंगे। मतलब तू मुझे खेत नहीं देगा? चिल्ला के पूछेगा तो भी नहीं दूंगा। तो फिर अंजाम सोच लेना। सोच लिया, इंच भर जमीन तो क्या, एक करेला तक नहीं दूंगा तुझे। करना है जो कर ले, जा। पीताम्बर सेठ, इस तरह आधी अधूरी बातें करना ठीक नहीं। तुम मुनाफे का सौदा छोड़कर जा रहे हो। आपको सौदा करना नहीं आता, 100 रुपए ज्यादा ले लो भाई। अरे तो सौदा उसी से कर ले, 100 रुपए में मेरा कुछ नहीं होगा। सुना क्या कहा? 9,500 सेठ के, 100 मेरे कमीशन के और ये कड़वे करेले तुम्हारे। कितना अच्छा सौदा करते हो। तुम जैसे भोले लोग जब तक है ऐसे सौदे होते रहेंगे। मालिक तुम यहाँ हो? मैं घर गया था, वहाँ पता चला तुम खेत में हो, खेत में गया तो पता चला तुम फैक्ट्री आए हो। ठीक पता चला,
मैं खेत गया था, वहाँ से फैक्ट्री आया हूँ और अब चाय पी रहा हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? बस अब ये रात का कारोबार बंद कर दीजिए। हाँ। कौन सा कारोबार? आप ना बताएं तो भी मुझे आपके रात के कारोबार के बारे में पता चल ही जाता है। अगर तेरी जुबान अकड़ती तो अच्छा होता। अरे जरा धीरे धीरे बोलना। छुपाने वाली क्या बात है, आपने माधव से हाथ मिला लिया और उसे खेत भी दे दिया तो तुझे भी यकीन हो गया। बत्ती सी निकाल कर हंसने की जरूरत नहीं, उसने आपके नाम के सारे कड़वे करेले हंसते हंसते बेच दिए। करेले जा रहे? काट डालूंगा। करेले को? नहीं, करेले बेचने वाले को। छुरी के बिना? छुरा दे रे। मेरी उंगली के निशान है। अरे वो मिट जाएंगे, तू हाथ में तो दे। पकड़ो मालिक, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ मालिक। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खेत में हमारे साथ चलो, उस माधव की मौत का तमाशा देखने। चलो तमाशा देखिए, आपने पहले ये कभी नहीं देखा होगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। चलो चलो मेरे साथ चलो, आज माधव की मौत का तमाशा देखने सब लोग आ जाओ, गांव वाले सभी। चलो मैं। अरे अरे हट जा बीच में से। तूने वो छुरा देखा? हाँ देखा, बहुत बड़ा है रे बाबा। हाँ भाग, देखिए ये मौका हाथ से जाने ना पाए, पिताम्बर सेठ माधव का खून करने जा रहे हैं। चलो। ए, माधव का बच्चा कहाँ है? हजाम की दुकान में है। अच्छा, मरने से पहले हजामत बनवाने गया है। छोड़ना मत मालिक, यही है, यही बैठा है। काट डालिए उसे, खून की नदियाँ बहा दीजिए मालिक, जाइए। सेठ, इन्हें पहचाना? बड़े भाई समान है। नमस्ते करो। नमस्ते कोलो नो। नमस्ते, पीताम्बर सेठ है। ओ, नमस्कार। भाई साहब, आप सरहद पर लड़ने नहीं गए? यहाँ पर जंग का खतरा ज्यादा है, गोलियाँ चल सकती हैं। फौजी भाई, अगर किसी को इस बंदूक से आप गोली मारते हो तो क्या केस बनता है? नो केस, नो कोर्ट, नो जेल। समझे? मिलिट्री वाले अगर किसी को शूट करते हैं तो कोई केस नहीं बनता। कटार लेके क्यों घूम रहे हो? हाँ, वो भेड़ों के लिए घास काटनी थी ना, इसमें धार भी नहीं। देखिए मालिक, छुरे में बहुत धार है, काट डालिए इसे। किसे काटने की बात कर रहा है? बालों को, बड़े हो गए हैं, हर जगह उग भी आए हैं। ए, तो अंदर की बात इन्हें क्यों बता रहा है? इसे मारते क्यों नहीं? अरे चल, नहीं तो इसे मारूंगा। क्या मालिक, आप भी डर बोल। औरतों से ये क्यों ना बाज आए? बताना नहीं। अगर तू चाहता है मैं फौजी को नहीं बताऊं तो तू मुझे मसाज दे। हाँ वीर सिंह, तुम्हारी गन खाली तो नहीं है ना? पूरी तरह भरी हुई है। इतनी बड़ी गन से मुझे डर लगता है यार, खुश हो रहा हूँ। जब तुम्हारी उंगलियों से तुम मसाज करते हो तो तन बदन में आग लग जाती है। उसे भी ऐसा ही लगता है क्या? देखो बात को समझो, मामला प्यार से सुन जाते हैं, कोने में आ जाओ। आयरन मैन। माधव, मालिक के कान में तूने ऐसा क्या फूंक दिया? वो बात ये है कि अरे नहीं भाई नहीं, टेढ़े मेढ़े को अपने आड़े टेढ़े राज मत बताओ। तू जमीन पर कहां गया तेरा करंट? मेरे बॉडी में 24 घंटा करंट दौड़ता है, यकीन नहीं होता है तो छू के देख ले। बाबूराव का खुल गया पोल, खुल गया उसका डब्बा गोट। ए बाबूराव, तेरे को कोई खड़ा नहीं करेगा, अब से उंगली करना छोड़ दे। हाँ बोलिए। क्या बोलूं, 2 साल से मंदिर में पूजा पाठ हवन नहीं करवाया गया, इसलिए गांव में रोज नए नए हादसे हो रहे हैं। पूजा पाठ ना होने की वजह से भगवान हमसे रूठे हुए हैं। चुप रह। याद रखिए, हर साल की तरह इस साल भी पूजा होनी चाहिए। मालिक, आप इस गांव के वरिष्ठ हैं, आप ही पहले पूजा करवाइए और हमें दक्षिणा देकर पुण्य कमाइए। बोलिए मालिक। अब बोलना क्या है, शनिवार के दिन पेटी में मैंने 500 का पत्ता डाला था, ये समझकर कि वो 100 का है। जब भी पेटी खोलना उसमें से 51 दक्षिणा के काट कर पूरे 349 रुपए लौटा देना। चलो चलो उठो, चलो अरे चलो चलो। मुंह बंद करो, मच्छर घूम रहे हैं। तुझे दिख रहे हैं? मुझे भी दिखे तो मारो। ये दिखा, एक और दिखा। हाँ गुरुजी वहाँ देखिए। लगता है चोर का ऑफ सीजन चल रहा है जो मंदिर में आया। मंदिर के जेवरात का ठीक से ध्यान रखना, कहीं हाथ साफ ना कर दे। जी गुरुजी। क्यों पुजारी जी? अरे कैसे हो माधव? नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे मंदिर के दिए घंटियां और जेवर नहीं चाहिए। कान खोल के सुन पंडित, मुझे सहला कर भगवान को याद करूंगा तो साक्षात भगवान मेरे लिए प्रकट हो जाएंगे। गुरुजी, उसने मूछ सहलाई, इसका मतलब वो भगवान की मूर्ति लेके भाग जाएगा। अरे चुप, हलवा है क्या जो लेके भाग जाएगा? मेरी भी मूछे थी पर उसमें जुएं हो गई थी इसलिए निकाल दी। लगता है सुन लिया, तेरी वजह से।
मंदिर में बंदूक क्यों लाते हो? आजकल आतंकवादियों का खतरा हर जगह बढ़ गया है, इसलिए मैं बंदूक साथ लेकर आया हूँ। कौवे ने हमला कर दिया। ये कौवा जरूर दुश्मनों का एजेंट होगा। बदमाश, बेवकूफ, उल्लू, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मर गया। इसने मुझ पे बंदूक क्यों फेंकी? भगवान मुझे बुला रहे हैं। रुक क्यों गए? चलिए प्रदक्षिणा करते हैं। आज प्रदक्षिणा शॉर्टकट में करेंगे। ये कैसी भक्ति है आपकी? अगर शॉर्टकट लेंगे तो फल नहीं मिलेगा। अबे चुप, फल के चक्कर में तू मुझे मरवाएगा। कौन चाहता है कि आप जिए? कल्याण मस्तु। हाँ जी नमस्कार महाराज। नमस्ते लेले साहब, अच्छा हुआ कि आप दोनों मुझे यहाँ मिल गए। धौलपुर गांव के लड़के को आपकी बेटी पसंद है। अगर आप हाँ कह दे तो मैं लगे हाथ मुहूर्त निकाल दूं। मुझे थैंक यू। मुझे थैंक यू मत कहिए, इसे कहिए सब इसकी कृपा है। आपको सुख शांति और समृद्धि मिले। ओम कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो मुझे। ये क्या मालिक, हम तो प्रदक्षिणा करने जा रहे थे ना, ये रास्ता क्यों बदला? अबे भगवान सब जगह है, वहाँ है, यहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। तो हम मंदिर में क्यों आए हैं? हम तो जानते हैं कि वो यहाँ है, उसे ये बताना है कि हम कहाँ हैं। ओहो हो, रुकिए मालिक। जय 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 हनुमान गोसाई। सुनिए जी, हम ऐसे लेटे क्यों हैं? क्योंकि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। आतंकवादियों को गोली मारो, छोटे बच्चों ने पटाखे जलाए हैं। बच्चों ने पटाखे जलाए हैं। वो तो समझ रहा था आतंकवादियों ने हमला किया है, पर आप क्यों झुके? मुझे लगा उसने गोली चलाई है। आखिर आप इस मिलिट्री वाले से इतना डरते क्यों? डरता नहीं, देश पे जान देने वालों की इज्जत करता हूँ मैं। हमें भी उसकी इज्जत की और इज्जत करनी चाहिए। जब भी गोली चले हमें साइड में हो जाना चाहिए, ताकि गोली अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते चले जाए। जब तुमने अपनी मूछें फेरी तो पंडित जी डर गए। अरे प्रभा, तुम क्या हुआ? पिताजी मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं, पास वाले गांव में। इतनी अच्छी खबर और तुम दुखी हो? हम सब भी तो यही चाहते हैं। तुम चाहते हो मैं किसी और से शादी करूं? पर उस दिन तो तुमने पिताजी से कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ओ, उस दिन? वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, मैंने उस नजर से तुम्हें नहीं देखा। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं चलती हूँ। गिन लो। मैं वजन से ही नोट गिन लेता हूँ। आज से मारा थारा ऊपर सारा कर्ज चुकता। बड़े अफसोस की बात है, तुमने लोन भी चुकाया और बेटी की शादी भी की। बेटी की शादी के बाद अक्सर बाप कर्जदार हो जाता है और तुम कर्जा चुका रहे हो। रे लक्ष्मी की कृपा है भाई। क्या बात है, क्या ये अपने गांव में नहीं आई है? वो माँ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। किसकी माँ? लक्ष्मी देवी। ये चोर यहाँ ऐसे ही मेरे साथ आ गया। तुम्हें अकेले आने में डर लगता है क्या? डर तो मुझे भी लग रहा है, ये चोर कहीं मेरे सारे बर्तन न चुरा ले। क्यों, क्या देख रहा है? ये मुर्गी पंख के साथ कितनी भरी भरी लग रही है, जब इसके सारे पंख निकाल दूंगा तो कैसी लगेगी? तू क्यों पंख निकालेगा? पंख तो मैं निकालूंगा। मुर्गी पे भी नजर है सारे की। इंस्पेक्टर ले ले, ले जा इसको। तुम बंदरिया के साथ कहाँ से घूम के आई? ए, अंधे हो गए हो क्या? ये बंदरिया नहीं, कुत्ता है। मैंने तुमसे नहीं, इससे पूछा। तुमने मुझे बंदरिया कहा? जंगली गमार। तुम जंगली बिल्ली हो। तुम खुले सांड हो। तुम जहरीली नागिन हो। अब ये जवाब है? तूने गहने पहन रखे, इसके सामने से हट जा। मेरी इंसल्ट कर रहा है। अरे तो करने दे इंसल्ट, गहने बचा, जल्दी आ। मेरे कागजात दे दो तो मैं चलूं। क्या कहूं, दिल नहीं कर रहा, कागजात से मोहब्बत हो गई है। वैसे नाए बगैर मैं तिजोरी को हाथ नहीं लगाता। तिजोरी खोलने के बाद कहीं तुम्हें अंतिम बार नहलाना ना पड़ जाए। चलिए लेले साहब। क्या कहीं कागजात गायब तो नहीं हो गए? अम्मा, क्या हुआ जी? होने वाला था नहीं हुआ, मैं तो बर्बाद हो जा रहा। नहीं, मैं समझी नहीं। समझोगी भी नहीं, जाओ पानी लाओ। साला चोर कहीं का। आप ठीक तो है पापा? नमस्ते। नमस्ते। प्लीज सिट डाउन। जनाब ये है पीताम्बर सेठ, गांव की जानी मानी हस्ती हैं। जब से इन्होंने सुना कि आप एक महान क्रिमिनल हैं। What? मुँह से क्रिमिनल निकल गया, मुझे क्रिमिनल लॉयर कहना था। ऐसे लफंगों को जेल की चक्की पिसवाई है। किसने? मैंने। आज मैं सिर्फ चौधरी हूँ, कल जस्टिस चौधरी बन जाऊंगा। हमें कल ही आना चाहिए था। उम्र में तो तुम काफी छोटे लगते हो। मेरी उम्र भले ही छोटी हो पर मुंह बहुत बड़ा है। वेरी गुड। अगर लॉयर का मुंह बड़ा हो और पुलिस वालों की जेब ढीली हो तो काफी माल बन सकता है।
बकवास बंद, पॉइंट पर आओ। वैसे एक बात बताइए, आप केस किस भाव से लेते हैं? बदतमीज। ताजमहल, कुतुब मीनार और मेरे जैसे नौजवान वकीलों को सिर्फ देखा जाता है, उन्हें खरीदा नहीं जाता। रुकिए, मैं बात करता हूँ। ये आपका असिस्टेंट है? नहीं, दरअसल ये चौधरी सीनियर है, मैं जूनियर। चौधरी साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम गलतियाँ नहीं करोगे तो हमारा गल्ला कैसे भरेगा? उच्च विचार, ये सलाइन का रंग ब्रांडी जैसा क्यों है? क्योंकि उसमें सलाइन नहीं, ब्रांडी ही है। क्यों? जज साहब को लगता है कि मैं ब्योड़ा हूँ, इसलिए मैंने उनके सामने कसम खाई कि मैं कभी उसे मुंह से नहीं लगाऊंगा, इसे डायरेक्ट खून में लेता हूँ। मैं पक्का ईमानदार हूँ। नहीं तो क्या? आप पक्के बेवड़े हैं। क्या बात है, भाई ने भाई को पहचान लिया। सर आप खोलेंगे या मैं खोलूं? द्वार खोलो, तुम अपने केस के द्वार खोलो। कौन है आप, क्या चाहिए? वकील साहब हैं? हैं, क्यों? उसने मुझे गर्भवती बना दिया। किसने? चौधरी साहब ने? नहीं, मेरे गांव का है। कोई और तुम्हें प्रेग्नेंट बनाकर गया, उसमें बुढ़े चौधरी साहब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाओ। मुझे उस पर चीटिंग का केस करना है। ओ, चीटिंग का केस? हमारे सर ये केस हाथ में नहीं लेते, पर एक और वकील है जो आपका काम कर देगा। पर वो है कौन? मैं हूं ना। यस योर ऑनर। बाय द वे, आपके पेट में पल रहे बच्चे का आप कौन है बता सकती हैं? बच्चे की शक्ल देखकर बता दूंगी। क्या माधव के पिता दारू पिया करते थे? नहीं तो। तो इस पेपर पर क्यों लिख दिया है कि वो पैसे वापस कर देंगे? मैंने धोखे से लिखवा लिया था। इसका मतलब तुम दारू पीते हो? इस एक आदत को छोड़कर बाकी सारी बुरी आते हैं इनमें। तो क्या तुमने दारू पी के इन्हें उकसाया है? ये सबूत विस्की और स्कॉच की तरह स्ट्रांग है। कोर्ट में जाने पर माधव पैसे लौटाएगा? लौटा तो देगा, पर इनकी ही तिजोरी से चुरा कर। बियर की तरह वो बहुत ठंडा है। चलो सलाइन की स्पीड बढ़ा दो। सप्लाई रुक गई है क्या? बिल्कुल नहीं, खत्म करके कोर्ट जाना है। एक काम और था सर, ये केस मैं लड़ रहा हूँ, इस बात का पता माधव को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, पीने के बाद मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं कौन सा किसका और क्यों केस लड़ रहा हूँ। लेकिन आप डरिए मत, तल्ली होकर भी इन्होंने आज तक सारे केस जीते हैं। मैंने भी सुना है। सुनिए, ये कागजात केस के लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। माधव से बचा कर रखिए, वो बहुत बड़ा चोर है। देखिए, हमारे सर के आंडू पांडू है, ये उससे भी बड़े चोर है। ये मिसाल दे रहा है। बड़े बड़े चोर बदमाश सर के सामने झुक कर बात करते हैं क्योंकि ये बटले हैं। आप उसे नहीं जानते, वो चाकू नहीं ब्लेड है, ब्लेड दोनों तरफ धार है उसके। यू डोंट वरी, आपके कागजात पेट में रखूंगा। क्यों, अलमारी नहीं है? है, पर उसकी चाबी पेट में है। मेरी भी। कौन है ये उल्लू का बट्टा? मिस्टर माधव, पिता का नाम रामदेव, 5 एकड़ जमीन के मालिक, सर्वे नंबर 168, am I correct? चौधरी, जस्टिस चौधरी। अभी भी नहीं समझे? मेरे सफेद कपड़े, काला कोट, हाथ में कागज देखकर समझे नहीं? हैं? जस्ट अ मिनट। आखिर मेरी मेहनत काम आई, इन्होंने पहचान लिया। रेडी? पीतांबर तुम्हारी जमीन और घर हड़पने के लिए तुम पर केस करने वाला है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वकील बनकर कोर्ट में केस लड़ूंगा। ये केस कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो मिलिट्री तक पहुंचेगा। मिलिट्री तक? तब ये केस भी बॉर्डर के पार जाएगा। यू छोटे, गिल्ली लिया। सुना भाई, गिल्ली मांग रहा है। ए, उससे कहो चाहिए तो खुदा के ले ले, चल निकल। हा? दे दो ना गिल्ली, अगर माधव को पता चला तो वो अपना बड़ा सा डंडा लेकर आ जाएगा। आने दे। अच्छा, अभी देखते हैं। अरे भाई, लड़की नहीं दे रही है। लगता है ये केस भी कोर्ट में जाएगा, मैं ही इसे लड़ूंगा। ये पर्सनल केस है, घर पे ही सुलझेगा। ए, गिल्ली नहीं दोगी? नहीं, मैंने कहा था ना वो अपना बड़ा सा डंडा लेकर आ जाएगा, अब जल्दी से दे दो। नहीं दूंगी, हमारे खेतों में आकर हम पर ही दादागिरी कर रहा है। नहीं मिलेगी, असली मर्द हो तो लेकर दिखाओ। अरे ये तो तिजोरी में गया। माधव हर तिजोरी खोलना जानता है। आउट। एम्पायर हो क्या? बचपन से लोग एम्पायर ही बनाते थे। कुछ उल्टी हो जाती तो? मेरे क्लाइंट शरीफ इंसान है, इसलिए इन्होंने ये किया। अगर इन्होंने शराफत छोड़ दी होती तो तुम जमीन पर लेटी होती। अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो हुलिया बदल कर रख दूंगा। ए, चलो उठ, शॉक थेरेपी बहुत हो गई। चल चल बटलर। शेरू गो। ए ब्लैकी, देख तू और मैं सिमसिम है, मुझे मत काटना। अबे रुक, काम तो पूरा कर। ओ,
तो ये जानने आया था मिलिट्री अंकल देश की सीमा पर है या घर के अंदर। अरे रेशमा, हाँ? तुम क्या हो? अभी लाई। अगर तुम्हें करने का इतना शौक है तो अंदर आकर क्यों नहीं करते एक्सरसाइज? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। पहाड़ में जाए तुम और तुम्हारी एक्सरसाइज। आयरन बॉडी, चल सिखाता हूँ मैं तुझे कबड्डी। मेरे साथ में गोली मार दी। ए आयरन बॉडी, क्यों हार्ट अटैक आया? गोली नहीं चली, पटाखा बजा। तुम्हें क्या लगता है मैं बंदूक या पटाखे से डरता हूँ? बहुत हिम्मत वाला हूँ मैं। मुझे पता है तेरी हिम्मत। सुना है तूने मेरे खिलाफ केस किया है? सोचता हूँ तुझे मिलिट्री अंकल से उड़वा ही दूं, पर क्या करूं, तेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वो बॉर्डर पर चले गए, छे एक साल तक नहीं लौटने वाले। कोई बात नहीं, जब वापस आएंगे तब तुझे देख लूंगा। हटो। मेरी दुआ है कि उसकी जंग बहुत लंबी हो ताकि छोटी हो जाए मेरी और रेशमा की दूरी। तुम्हारी बीवी कब से यहाँ खड़ी है और तुम उस जंग लगी गन को गोद में लिए बैठे क्योंकि हो? ये गन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। आज भी सो जाती हूँ। एक तो प्यार का बुखार, ऊपर से कुत्ते की पुकार, ये दिल बेकरार, रेशमा सो नहीं गई हो। मिलिट्री भाई साहब के जाओ, भारत मेरे लिए माँ बहन समान है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं और आप मेरे बहनों ही हैं। बाबा मेरी रक्षा आपके हाथों में है, जय हिंद। हो डालो। पहले मैं, फिर शेरू और अब आप। इस माधव ने तो हम तीनों की गर्दन में दम कर रखा। इस तरह चिल्ला कर क्या होगा, दर्द सहना सीखिए मालिक, दर्द सहने की आदत डाल ही लीजिए। कसम से गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, शहर जाकर किसी डॉक्टर को दिखाऊं? जरूरत नहीं, कोई और बीमारी हो गई तो? 10 बीमारियों से पीड़ित इंसान को डॉक्टर से ज्यादा पता होता है। दावे के साथ कहता हूँ, अगर उस दिन तुम मुझे अपने साथ ले जाते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। एक हड्डी नहीं बचती। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। पापा आप उसे क्यों झेलते हैं, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? हाथ उठाते ही मरोड़ दिया कमबख्त ने। तो फिर गर्दन में मूंछ कैसे आई, मुड़ मुड़ के जो देख रहा था? करेक्ट। जब आपको पड़ रही थी तो आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सलाम ठोक रहा था। तुम्हें पीटने वाला जरूर कोई मुस्टंडा होगा जो 6 फुट लंबा होगा, बड़ी बड़ी मूंछें होंगी और हरी सब्जियां खाकर कसरत करता होगा। बस करो। ये आजकल आपको हरी सब्जियों से एलर्जी क्यों हो गई है? पापा यू डोंट वरी, अब उस माधव से बदला मैं लेकर रहूंगी। एरो बिस्किट मिलेगा? नहीं है। तो फिर चाय है? नहीं। कॉफी तो पिला दे। शादी कर लीजिए, सब घर पे बैठे मिलेगा, ये चाय की नहीं पान की दुकान है। क्या बोला? एक चाय के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? पागल समझा है? समझने वाली क्या बात है? माधव कहाँ जा रहा है? लगता है मेरा फ्रेंड मुसीबत में है। ए, मैं भी आ रहा हूँ। अरे वो मेरी साइकिल है। अरे ये साइकिल अचानक इतनी भारी कैसे हो गई? ये कब बैठ गया? अरे नीचे उतर। अरे ये तो डेड बॉडी है। ए नीचे उतर चल। जिंदा लोगों से तो तू ही वफादार है, कम से कम मेरी जान तो बचा रहा है। थैंक्स। तुम दोनों को मैं सेक्शन 302 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा में अंदर करवा दूंगा। अबे धारा वाले पहले तू पानी में नहा ले।
मेरी गलती है। नहीं तेरी गलती है। तेरी गलती है। तेरी है। लगता है मुझे दो चार क्लाइंट तो यहीं से मिल जाएंगे। थैंक यू परवाले। मैं एक नामी वकील हूँ, तुम दोनों अपना अपना केस मुझे बताओ, मैं सुलझा दूंगा। इस टकले ने मेरी प्रेग्नेंट बीवी को अपनी साइकिल से ठोक दिया, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। तू बता। नहीं साहब, इसकी बीवी मेरे सामने आ गई और मेरी साइकिल टूट गई। हर मुश्किल का हल है मेरे पास। तू इसकी साइकिल ले जा, जो भी खर्चा आएगा रिपेयर करके दे देना। क्या? तू इसकी बीवी ले जा, मेहनत करके इसे प्रेग्नेंट कर देना। जा। क्या कहा? ये टकला मेरी बीवी को प्रेग्नेंट करेगा? मैं तुझे अरेस्ट करवाऊंगा। अकेला न्याय के लिए लड़ रहा है, इससे आखिर मेरी क्या जरूरत है? बाप वैसी बेटी। मैडम, कॉलेज में ये सब सिखाया या बाप ने सिखाया? चल मुच्छर कहीं का। अपनी मूछों की पावर मैं तुझे रात को दिखाऊंगा। चोर कहीं का। जिस तरह से इसने अपनी मूछें घुमाई हैं, लगता है रात को बहुत बड़ा कहर ढाएगा। आने तो दो, अगर रात में आया भी ना तो इसकी मूछें पकड़कर गोल गोल घुमाकर फेंक दूंगी। उल्लू कहीं का। क्या है ये सब? जैकी चैन की फैन हो क्या तुम? अरे वो तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि वो रात को आएगा? क्यों नहीं आएगा, वो जरूर आएगा। मूंछों पर ताव देकर उसने चैलेंज किया है ना। बेटी ये लो गोटियाँ। हे गोटी गोटी गोटी, मुझे भी गोटी चाहिए, मुझे गोटी बहुत पसंद है। गोटी ही तो मांगी है। एक नंबर के गधे हो तुम, ये लो खेलो इससे। गोटी मांगी तो गोटा दे दिया, गिल्ली मांगता तो क्या होता। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? माँ जाग गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो क्या जागेगी, वो सोती ऐसे है जैसे डेड बॉडी पड़ी हो। मतलब इतने सालों से तुम डेड बॉडी के साथ रह रहे हो? ठीक कहा, एक डेड बॉडी अंदर पड़ी है, एक सामने खड़ी है। बीड़ी फूंकना बंद कर, इसकी रोशनी से लोग मुझे पहचान लेंगे। तू कपिल शर्मा जो लोग तुझे पहचानेंगे। हो गया। हाँ चल कूदते क्यों, शॉर्टकट से चलते। अच्छा हाँ, माधव इस वक्त पीताम्बर के घर में घुस रहा है, मतलब खून या चोरी का केस पक्का है। नहीं, मेरे क्लाइंट को काले पानी की सजा हो सकती है। तू मेरा बिल कौन देगा? अरे हाँ, मैं तो केस हारूंगा ही नहीं। दाल में नमक कम था शायद। क्यों पीताम्बर सेठ, ये स्टंप क्यों गाड़ रखे हैं? स्टंप नहीं, तीली है, जागने के लिए कांडी लगाई है। अरे रे रे, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? पहले ये आइडिया आता तो मैं भी अपनी बीवी की आंखों में कांडी लगाता। अरे इसमें पानी क्यों डाला है? पीने का पानी मैं ले आया हूँ ना। ये पीने के लिए नहीं है। ओ, ये क्या धोने के लिए है? नहीं, इसमें पैर डाल के यूं बैठ जाओ तो रात भर नींद नहीं आती। अरे रे रे, माधव शातिर चोर जरूर होगा मगर आप जितना बड़ा कमीना नहीं। बकवास बंद कर, दारू डाल। कौन है? डराता क्यों है? जोसेफ ने हमको धोखा दिया, कहा था फ्यूज निकालेगा लेकिन नहीं निकाला। वो अपना वादा नहीं तोड़ सकता। हरीश चंद्र है, उससे भी महान है। कैसे? हरीश चंद्र को फ्यूज जोड़ना थोड़ी ना आता था। yes. ये क्या? मेरी आंखें कहाँ चली गई? कहाँ जाएंगी, यहीं कहीं गिरी होगी, देख लो। मैं अंधा हो गया हूँ। मैं भी अंधा हो गया। तुम तो पीने के बाद अंधे हुए, मैं तो ग्लास भरते ही अंधा हो गया। जोसेफ ने फ्यूज निकाल दिया। फ्यूज ही क्या, अगर एक बार वो कमिट कर दे तो पूरा खंबा उखाड़ दे। अब आएगा मजा। अभी धीरे बोल, धीरे। बहुत अंधेरा है, किसी को कुछ सुना नहीं देगा। कहाँ गया? यहाँ पर झाड़ू था, कहाँ? ये ले। ये तो बबू। सच बता, तूने ड्रिंक में क्या मिलाया था? पानी। पानी में क्या मिलाया था? दारू। और उस दारू में क्या मिलाया था बता? मुझ पर मत चिल्लाओ, अपना पानी और अपनी दारू पीने के बाद तुम मुझे दोष दे रहे हो। पहले ये बताओ, मुझे ब्रांडी दिया कीटनाशक, परसों परफ्यूम बोलकर फिनाइल दिया था, पूरी बॉडी में खुजली होने लगी और अब ये पीकर मेरी आंखें चली गई। क्या पापा, क्यों झगड़ रहे हैं? बेटी तू आ गई,
आ गई है तो देख ले, तेरा बूढ़ा बाप भरी जवानी में अंधा हो गया है। आप अंधे नहीं हुए, करंट गया। करंट? फिर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? जब करंट आएगा तो सब दिखेगा। सुना था पापी अंधे हो जाते हैं, झूठ सुना था। ओ बिला वजह मैंने तुम पे शक किया और मैंने तुम पर। ठीक है, दो मिनट के लिए मेरे साथ आइए। हाँ चलो। महफिल जमी थी लगता है। दारू, अंग्रेजी दारू। साले पीताम्बर, गांव वालों को पीने तक के लिए पानी नहीं है और तू यहाँ पानी में अपना पैर ठंडा कर रहा है। अभी बताता हूँ। बहुत गर्म है। हो गया काम। क्यों बे अंधेरी रात में क्या ढूंढ रहा है? अठन्नी या बीवी का झुमका? किचन में ना है वो भूत। ये मुझे देखकर लुढ़क तो नहीं गया? मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। मुझे लगा माधव है। ये टॉर्च किसको देखने के लिए? माधव को देखूंगा। कहीं उसने हमें देख लिया तो? टॉर्च मेरे हाथ में है तो वो हमें कैसे देखेगा? इतना बड़ा सिर है पर दिमाग खाली है। इसीलिए माधव ने सबसे पहले तुम्हारी गर्दन तोड़ी थी। तुम्हारे साथ रह के तो मैं मूंछों पे ताव तक नहीं दे पा रहा। ये कैसे टूटा? अच्छा हुआ। सेठ जी, पैर दबा कर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं, अंगारों पर चल कर आ रहा हूं भैया। नींद ना आए इसलिए ऐसा किया? नहीं, नींद ना आने के लिए कोई भला अपने पैर को यूं जलाएगा? बात करता है। ए, लगता है वो मुछैल चोर अंदर दाखिल हो चुका है। आंखों का ढक्कन खुला रखना होगा। ओ, मैं अभी आया। कहाँ चले? पूजा घर से आंखों में डालने के लिए माचिस की तीलियां लेकर आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर तो रखी थी, कहाँ चली गई? ए, यहाँ से माचिस कहाँ गई? ए, किधर गया वो हीरो? मुझे कहा था कि सिर्फ आधे घंटे के लिए लाइट काटो। ए माधव, तुमने कहा था आधे घंटे में चोरी हो जाएगी। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, मैं फ्यूज वापस लगा रहा हूँ। अगर तुम पकड़े गए तो मुझसे शिकायत मत करना। क्या हुआ? कोई शिकायत है? लगता है ये शॉक से नहीं, गटर में गिरकर मरा हुआ भूत है। सब मुझे देखकर बेहोश क्यों रहे? लगता है मुझे फीस कम करके डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। अच्छी माधव भाई, मेल पेपर तैयार करूं? कौन है? ओहो, वर्दी में आया तो पहचाना नहीं। कपड़े उतार दूं क्या? ये अटेम्प्ट मर्डर है। आई ऑब्जेक्ट, मुझे गिरा था। कौन है? गया। क्यों चोर जी, क्या हुआ? तेरे बाप को बच्चा हुआ है। लड़का या लड़की? जुड़वा। बेटी, मुझे किसी ने सिर पे मारा था। आए, भूत से बात कर रही है बेटी। आ, पकड़ लिया। अरे टेढ़े मेढ़े जल्दी आ। आप फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे ये कौन है? स्पाइडरमैन की तरह जाल में क्यों लटका हुआ है? स्पाइडरमैन नहीं, ये वही चोर है। मूंछों वाला चोर? क्यों जी, कौन है ये? शांति मौसी, मैं माधव हूँ। आपकी बेटी ने मुझे मिलने बुलाया था। हाँ बोलो बेटी, बुलाया है तो डरना कैसा? चुप बे बेटी, रात में क्यों बुलाया इसे? पापा, आप मुझ पे शक कर रहे हैं?
मैं आप ही की बेटी हूँ, मेरे अंदर आप ही का तो खून है। अरे हाँ, इसीलिए तो शक हो रहा है। बाबूराव तू जाके गांव वालों को बुला ले, हम पंचायती करेंगे और फिर फैसला होगा। बुला लो, देखते हैं वो किसका यकीन करते हैं, आपका या मेरा। अरे वो चोर की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जरा कान तो यहाँ लाओ। जाओ नहीं लाता, जो बोलना है जोर से बोलो। अगर जोर से बोला तो मौसी जी छोड़कर चली जाएगी और बेटी मेरे साथ भाग जाएगी। मामला गंभीर है, पास जाकर सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाहता है। आयरन मैन, नहीं पंचायत की क्या जरूरत है, इसका फैसला मैं ही करूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब घर जाओ। क्या पापा इतनी आसानी से जाने देंगे? मत जाने दो, मत जाने दो, आने दो सारे गांव वालों को। मिलिट्री अंकल को बुलाना मत भूलना। हाँ, वो आएंगे ना तो अपनी गन से भून डालेंगे। किसी ना किसी की डेड बॉडी तो इस घर से जरूर निकलेगी। रहने दे बेटी, वो फौजी सबको मार देगा, हम जल्दी मर जाएंगे। हाँ बेटी, जल्दबाजी में मर के क्या फायदा, हम आराम से मरेंगे। तू पहले ही से जाने दे। जाने दे। तुम्हारी कमाई में हिस्सा नहीं मांग रहे, घर में हिस्सा मांग रहे हैं। जब तक मालती की शादी नहीं हो जाती इस घर का बंटवारा नहीं होगा। तुम हर बात में मालती की शादी को बीच में क्यों ले आते हो? तुम चाहते ही नहीं कि उसकी शादी हो। अगर तुम सच्चे भाई होते तो मालती की शादी करके हमें घर का हिस्सा दे देते। मुझे अपनी तरह समझाए, मैं पैसों के लिए अपनों को धोखा नहीं देता। हाय हाय हाय, सुना आपने, ये क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारा मतलब इस घर पे हमारा कोई हक नहीं? बच्चे सिर्फ जायदाद के लिए पैदा हो तो भविष्य में लोग बच्चे पैदा करने से डरेंगे। तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, हमने सर्वेयर को बुला लिया है, वो बस आता ही होगा। ओहो, यानी आप सारा बंदोबस्त करके आए हैं? मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू एक चोर है इसलिए मुझे हर जगह जलील होना पड़ता है। माना मैं चोर हूँ, चोर बनने के अलावा क्या करता। पिताजी गुजर गए तब 10 साल का था, बचपन में मेरी बहन की भूख मुझसे देखी नहीं जाती थी इसलिए मैंने चोरी की। 10 साल की उम्र में एक बार चोरी करते हुए मैं जख्मी हो गया था, तब मुझे मेरा खून नहीं दिखाई दिया था भाई, मुझे बहन की भूख दिखाई दी थी जो तुम्हें कभी नहीं दिखाई दी, क्योंकि तुम इस घर में कभी रहे ही नहीं हो, तुम्हें तो लगा यहाँ सब आराम से रह रहे हैं। भाई मैंने पढ़ा इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता था, इसलिए छोड़ी ताकि तुम बड़े बन सको। तुम्हें फुर्सत थी ये जानने के लिए कि तुम्हारे भाई बहन किस हाल में। पीताम्बर सेठ को तो ब्याज भी अब कम लगता है, ये देखो उसने मुझे कोर्ट की नोटिस भेजी है। घर का हिस्सा चाहिए, इसके 2 हिस्से कर दूं या मेरे साथ जेल चलोगे? अगर तुमने कर्जा लिया है तो तुम्हें ही चुकाना होगा, ये हमें उलझा रहा है, खड़े क्या हो, चलो जी। रो क्यों रही है पगली, तेरा भाई अभी तक जिंदा है, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। पापा की यादों को बचाने के लिए मैं हर तूफान का मुकाबला कर सकता हूँ। तू रो मत बहन। तू ये बता कि पीताम्बर का कर्ज कैसे चुकाएगा? पीताम्बर के बाद उसकी जायदाद का वारिस कौन? भाई उसकी इकलौती बेटी रुक्मणी, और कौन? तो मेरा प्लान सुनो, मैं पीताम्बर की बेटी को प्यार के जाल में फंसाऊंगा और शादी करूंगा। अब तुम ही बताओ क्या कोई अपने जमाई से ब्याज लेगा? अरे भाई तुम चीजें चुरा सकते हो पर किसी का दिल चुराना आसान नहीं है। मुझमें कमी क्या है, ये चोर जब हुलिया बदलेगा तो लड़की जरूर पटाएगा। आइडिया अच्छा है पर रुकावटें बहुत आती हैं। प्यार में कोई भी रुकावट बने मैं नहीं रुकूंगा। नमस्कार, नमस्ते सर। नए इंस्पेक्टर साहब, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कालीचरण, लातों के भूतों को लातों से ही सीधा करने का रिकॉर्ड है इनका। क्या बात है। और ये है हेड कांस्टेबल मिस्टर लेले। रिपोर्टिंग सर। इन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम एक चोर को अपनी टोपी देकर रोशन तो किया है। टोपी मत पहनाओ। ए बिरजू इधर आ, इधर आ। इस माधव चोर का गुरु है ये, आज तक नहीं पकड़ा गया। अगर इसके पीछे हेलीकॉप्टर लेकर भागो तो भी ये हाथ में नहीं आएगा। सर मैंने सुना है रिटायर्ड चोरों के लिए गवर्नमेंट पेंशन प्लान बना रही है, मेरा भी नाम उसमें डालिए ना। तुम्हारा नाम पेंशन लिस्ट में नहीं, एनकाउंटर लिस्ट में डालूंगा। क्या नाम है तेरा? माधव। पूरा नाम बोल। माधव मिस्त्री। और इसकी मूंछों के पीछे भी एक कहानी है सर, ये जिसे देखकर मूंछों पे हाथ फेरता है उसके घर चोरी जरूर होती है। ओहो, ऐसी क्या खास बात है? ए मूंछ पर हाथ फेर। सर आप सस्पेंड हो जाओगे। मिस्टर लेले मैं आपसे पुलिस स्टेशन में मिलूंगा, गो। ठीक है मैं जा रहा हूं। हाथ फेर। वेरी गुड, तुम्हारी मूछें इतनी बड़ी नहीं है जिससे झाड़ू बन सके। कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में आके मिल, और एक बात याद रखना, मूछें मुड़ा के।
हो जाओ। ए, तेरे 10 का 100 और 100 का 1000 करके कौन मालामाल होगा? सुनो, 1000 का 10000 और 10000 का लाख होना चाहिए, समझे? माधव आज मुझ मुंडा होगा। बैठ, मेरी 100 की लगी, 10 की पत्ती डाल। तेरी तो 10 की औकात है, ये ले 1000। मैं मेरी चेन डालने को तैयार हूँ, ऐसा मत कीजिए। तुम भी डालो। मालिक, मैं भी शर्त लगाता हूँ, वो अपनी मुझे नहीं मुंडवाएगा। तेरा सिर फोड़ दूंगा। सैलरी मेरी खाता है, साइड उसकी लेता है। आपके कहने पर बहुत मार खाया है मैंने। यही तो काम है तेरा। माधव के मूंछों की लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई। देखा, उसने अपनी मूंछें मुंडवा ली, इसीलिए अपना मुंह छुपा रहा है। मैं जीत गया, ये सारा पैसा मेरा। माधव के मूंछों की जरा झलक तो दिखा। ये नजारा देखकर कहीं आप बेहोश न हो जाए मालिक, खिदमत कीजिए। आज तो मैं इसे मुझ मुंडा देख कर रहूंगा, इसी पल का तो इंतजार था। हाँ सही कहा। आपकी बेटी हंसेगी? हंसने से मत डर, मन में हंस लेगी। दिखाना जरूरी है। दिखा दो, ये देखे बिना नहीं मानेंगे। देखा पंडित, हो गई ना पत्ती गुल, अब ये सारा पैसा मेरा। पैसा क्यों लगाया? अगर मेरी बात मानी होती तो अच्छी खासी कमाई हो जाती। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा? अवान दे आयरन मैन, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। देखिए सर, वो आपके खिलाफ गया। कौन है वो? ये? हाँ सर। नहीं सर, मैं नहीं, वो इसने अब तक मुझे नहीं मनवाई। आइए आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। क्यों बे, तूने इनके कहने के बावजूद मुझे क्यों नहीं मनवाई अब तक? माफ करना साहब, मेरे गुरु ने मना किया है। कहते हैं मैंने अगर मुझे मुंडवाई तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वो चोर जो अब तक घरों से बर्तन चुराता था, आज शरीफ बनकर हम पर रौब जमा रहा है। दुश्मनों का करो सर्वनाश जल्द से जल्द। आप शरीफ इंसान लगते हैं, ये गुंडे आपको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, इसलिए पीछे पड़े हैं। आपने मुझे मुंडवाने के बारे में कभी सोचा? ए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। आपको मुझे नकली लगे क्या? ए, आपकी मैं खींचूंगा तो आपको भी दर्द होगा ना सर? तेरी मुझे मैं निकलवाऊंगा। ले ले सर, जाकर नाई को लेकर आ। ये बात, एक एक बाल साफ होना चाहिए, एक भी ना बचे, बहुत ताप देता था। पर जबरदस्ती किसी की मूंछ निकालना अपराध है जी। हाँ, और हम सब इस नाइंसाफी के गवाह है, बोलो है कि नहीं गलत? अरे भाई लोग, देखो यहाँ तमाशा मत करो, सब लोग जाओ जाओ। सच्चाई की सच्चाई की सच्चाई की। साले चोर के भी इतने फैन, आपको तो इस गांव में एक कुत्ता तक नहीं पूछता है, पर उसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप इस गांव के ही नहीं। सच्चाई ये है कि पीताम्बर सेठ इस गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर की हैसियत से आए थे। जब कॉन्ट्रैक्टर घर पर नहीं था, उन्होंने उनकी बेटी शांति को बाइनाक्यूलर से झांका और उसे पटाकर सेटल हो गए। सच बताऊं तो मेरे ससुर मुझे बहुत पसंद करते थे। झूठ बोल रहे हैं ये, बिना सीमेंट के इन्होंने ब्रिज बनाया जिससे वो चकित हो गए, और उनकी लड़की को झांसा देकर माँ बना दिया जिसके शोक में वो चल बसे। खामोश। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे क्या? आप भी शांति हो? आपके प्यार के किस्से ये चुस्कियां ले लेकर सुना रहे थे, आखिर आपको इनमें क्या दिखा जो प्यार हो गया? पापा, काफी रात हो चुकी है, कल पूर्णिमा भी है, जल्दी से महफिल खत्म करो, हमें सफाई करनी है। सेठ जी की बेटी मस्त है, जब माँ इतनी खूबसूरत है तो बेटी तो होगी ही। इसे देखकर मीना कुमारी याद आ गई। चुप, नहीं तो सारा नशा उतार दूंगी। गुड डायलॉग। एक और पैक बनाऊं सर? नहीं नहीं, बस इस लड़की के जवाब से किक लग गई। बुरा मत मानिएगा, उसकी जुबान बड़ी तेज है। उसकी गलती नहीं है, सब तुम्हारा ही किया धरा है पीताम्बर। अपनी बीवी को शादी से पहले पटाकर सब कुछ पहले ही कर लिया था, ये भी वही चाहती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ कहा तो मुझे अंदर कर देगा, भरी जवानी में मुझे जेल में नहीं जाना। ओके ओके, ये टॉपिक यहीं खत्म करो, इस चक्कर में माधव के बारे में बात करना ही भूल गए। तुम बस झूठा मूठा चोरी का इल्जाम उसके सर पर डाल के कंप्लेन लिखवा दो, मैं उसे अंदर डालकर सबक सिखाऊंगा। रुक मिनी, चलो अंदर चलो। लगता है आपके परिवार को दारू से नफरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बाय गुड नाइट। ये बोतल साथ नहीं ले जाओगे? अगली बार आऊंगा तब पीऊंगा। ओह, तो एक और बार रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार। जरा चुप रहे, उस इंस्पेक्टर के चक्कर में तूने बहुत ज्यादा शराब पी है मुफ्त की। जब से ये काली चरण आया है, आपकी नजर में मेरी कीमत कम हो गई है। चली रे। तुम्हें रुकू को अपने प्यार में गिराना है, खुद गिरना नहीं है। रुकू बैठी है कि नाच रही है? दाओ दे मुझे पे। शाबाश, पहले मैं जाकर स्टाइल दिखाता हूँ, फिर तुम एंट्री मारना। मैं भी नाचूं। ए शीला,
ये उसी लफंगे का दोस्त है ना? बारिश के मौसम में गॉगल क्यों लगाया हुआ? ए, तुम आज सांड को लेकर नहीं आए? कहाँ है वो? वो रहा। रुको, ये घने खेत, ये पेड़, ये नदी, ये पर्वत, ये सब देखने के बाद तुम्हें अपना बचपन याद नहीं आता? कुछ याद नहीं आता मुझे। रुको, क्या तुम उस दुखी, लाचार, बदनसीब इंसान को देख रही हो? वो बदनसीब है? नहीं, किस्मत का मारा है। अभी तो तुमने कहा। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो वरना मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, बोलो। हाँ, तुम्हें पहाड़ के उस पेड़ पर फल दिख रहा है? वो बचपन में तुमने उससे मांगा था और जब वो फल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो चींटियों ने उसे काट लिया। क्या ये सारी यादें तुम्हारे हेडसेट से डिलीट हो गई हैं? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही मसाला लगाकर बता रहा था। हाँ? अब मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। ठीक है, बताओ। माधव तुमसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम, मोहब्बत, लव करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुमसे फेस टू फेस कहे। बचपन का गाना वो आज भी गाता है। जब से तुम उससे दूर हुई हो उसके जीवन में भयंकर भूचाल आ गया है, वो देखो। पर कहाँ आया है? ए, मजनू की औलाद। मजनू की औलाद? कहीं ये मेरी इज्जत को अंतिम संस्कार के फूल तो नहीं चढ़ा रहा? ए, मजनू के बच्चे, इधर आ। मजनू मियाँ, भाग क्यों रहे थे? एक बेबस लाचार मजनू और कर भी कह सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर उबाल आ रहा है। ये क्या है? जन्मदिन पर मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे, ये तो टिड्डा है। मुझे टिड्डा गिफ्ट दिया। नहीं, टिड्डे को तुम कम मत समझो। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली, पर्वत देवदास, इनकी लव स्टोरी से बड़ी लव स्टोरी टिड्डो की है। हाँ। अच्छा? नर टिड्डा मादा टिड्डी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, पर जब मन भर जाता है तो टिड्डी टिड्डे का टेटवा दबा देती है, पर फिर भी नर टिड्डा बारिश में भीग के मादा के लिए दुआएं मांगता है। तुम पहले टिड्डा थे क्या? कहानी का मतलब समझो, तुम्हारे जुल्मों के बावजूद माधव टिड्डे की तरह तुमसे प्यार करता है, इसने चोरी करना छोड़ दिया। हाँ, रुको। छोड़ दिया? मत छोड़ो प्लीज, मुझे तो वही चोर उचक्का माधव ही पसंद है। मतलब? माधव जब मूछों पर ताव देता है तो समझो गांव में चोरी होना जरूरी है। चलो मेरे सामने मूछों पर हाथ फेर कर दिखाओ, 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 दिखाओ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है? चलो मैं ही फेर देती हूँ। अब तुम मेरे घर पर आकर चोरी करोगे और खुद को मर्द साबित करोगे। मम्मी, उसके बाद तुमसे प्यार करना है या नहीं ये मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलो। रुको। चुप। ये मुजरा करना बंद कर, मुझे घर बुलाकर वो पुलिस से पकड़वाना चाहती है। मुझे अनपढ़ को यही पढ़ी लिखी मिली थी तो भाभी बना ले। ज़बान बंद रख। चल। वारे, आज भी मुंह में अंगूठा डाल के सोने की आदत नहीं गई। शादी के बाद क्या होगा मेरा? सोते वक्त तो परी लगती है लेकिन मुंह खोलती है तो बहुत बोलती है। वाह 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 वाह, हर एंगल से मक्खन लगती है। क्या कह रही थी? मैं मर्द नहीं हूँ, इस मौके का फायदा उठा लूँ तो रिजल्ट 9 महीने बाद सबके सामने आ जाएगा। खराब हो रही है, असली गहनों के बजाय नकली कमरबंद ही चुराना पड़ेगा।
मुझे तो बड़ी बड़ी मछलियों ने काटा है। मैं तो डर गई थी। रुक्मिणी, वो देखो माधव। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? बांसुरी बजा रहा हूँ। कहीं और जाकर बजाओ। तुम क्यों नहीं जाती? या कान बंद कर लो। ये नहीं जाएगा, हम ही जाते हैं। चलो चलो जल्दी घर चलते हैं। रुको रानी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? हमें नहाते हुए देख शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हें देख रहा था? मैंने तुम्हें नीचे से ऊपर तक देख लिया है। क्या हुआ, नहीं समझी? रात को तुम्हारे पास आया था, तुमने मेरा अंगूठा अपने मुंह में क्यों डाला? बचपन की आदत गई नहीं क्या? मैंने तो अपने मचलते अरमानों को रोक लिया। कोई और होता तो तुम्हारी जवानी देखकर तुम्हें कच्चा चबा जाता, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहती। यकीन नहीं हो रहा है तो अपनी कमर के दिल को पूछ लो, कैसे मेरा दिल फुदक रहा था। एक बात कहूँ, तुम्हारी मखमली कमर को लगे मेरी उम्र, अभी भी यकीन नहीं है? बोले ना, उतारते इसके सर का भूत, ये रहा सबूत। पहचाना, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और हसीन चोरी। कल की मखमली रात मुझे हमेशा याद रहेगी। लो पहन लो, जब दोबारा पहनोगी तभी तो चुराने आऊंगा ना। लो। हाँ, सैंडल तुम अगले महीने ले लो। अच्छा ठीक है। हाँ मैं चला जाऊँ बेटी। अरे क्या हुआ इसे? माधव ने इसे छेड़ा, वो नदी पर आया था, इसीलिए रो रही है अंकल। चल। मेरा हाथ बटाइए मालिक, सारा काम मुझसे ही करवाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे? करता हूँ। आज अच्छा मौका है मालिक, मालिक बनने का। वो माधव चोर घर पे ही होगा ना? माधव कुछ क्या बुला कर रहा है? आपका डाउट क्लियर करने के लिए। अब चुप कर, डाउट क्लियर कर। बहुत दबन कर, तुझे थोड़ी गाड़ना है, यहाँ पैसे छुपाने हैं। हाँ चलिए छुपाइए। रुकिए, कितने हैं? 1,000। 1,000? ये कंजूसी कब छोड़ेंगे? 25,000 डालिए। 25,000 ज्यादा है। हाँ मालिक, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना अपना केस मजबूत बनेगा। डालिए 25,000 डालिए। हाँ रखिए, सोचिए मत, रखिए। मिट्टी डालिए, मिट्टी डालिए। शाबाश, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले आप कब्रिस्तान में थे क्या? PWD में था, खोद कर छोड़ देता था। 1,000 रुपए कहाँ गए? वो भी अंदर डाल दिए। 25,000 पे 1,000 बोनस। गर्दन के साथ दिमाग पे भी बैच लगा। अच्छा याद दिलाया। कोई निशानी रखते हैं ताकि कल पुलिस वालों को ये आसानी से मिल जाए। तो अपनी बेल्ट रख देना यहाँ। अच्छा आइडिया है। उल्लू का पट्टा है, अब यहाँ कुछ रख के सबूत छोड़ने की क्या जरूरत है? चल यहाँ से। फिर ये फावड़ा? अबे ये ले। और मिट्टी? खा ले। वाह मालिक वाह, मेरे ही बताए आइडिया से आप अमीर हुए और अब मुझे ही मिट्टी खिला रहे हैं। कल आपको मेरी टैलेंट का पता चल जाएगा। इस बेवकूफ को क्या पता कि निशानी होनी कितनी जरूरी है। हो गया। हमारे बेटे को आपकी बहन पसंद है, अगर आपको हमारा बेटा पसंद है तो रिश्ता पक्का करते हैं। दोनों के ग्रह नक्षत्र मिला दूंगा ताकि गुरु दक्षिणा दोनों तरफ से मिले। शादी के बाद लड़के की किस्मत चमकेगी लड़की की सूरत की तरह। शादी के बाद सास ससुर को घुमाने फिराने का योग है, हनीमून पर भी साथ जाएंगे। गधे की औलाद, अबे शादी तुड़वाएगा क्या? अब शगुन की उल्टी करना बंद कर। आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूँ। अरे आज तक ये पंचांग नहीं बढ़ा पाया, तू क्या बढ़ाएगा? ये पंचांग पिछले साल का है। साले, तुझे पहले क्यों नहीं बताया? पनौती मनहूस, नया पंचांग दे। बाल बाल बच गया। देखिए, इस घर में भगवान का वास है पर फिर भी मुहूर्त निकालते समय लग्न घर में राहु का प्रवेश होने वाला है। राहु क्या हो रहा है? शादी पक्की हो रही है? हाँ सर, लड़के वाले मेरी बहन को देखने आए। तू कौन? बता दीजिए कि आप माधव के भाई हैं ताकि शर्म से आपका सर झुक जाए। देखिए, रात को पीताम्बर सेठ के यहाँ चोरी हुई है और इस चोरी का शक माधव पर जाता है। हमें घर की तलाशी लेनी होगी। ए, सुनो। पागल है, सीधा स्पॉट पर क्यों नहीं जाता? सीधे पर जाएगा तो हम पे शक जाएगा। टाइम पास करने से तो सीधा अरेस्ट कर ले। सर मुझे किसी मैयत में जाना है। माधव ने तुझे पैसे दिए हैं? वेद पुराणों की कसम, मेरी जेब में मेरे 1,000 रुपए के अलावा और कुछ नहीं है। पीताम्बर सेठ, क्या ये नोट आपकी है? गांधी जी की फोटो है, मतलब नोट इन्हीं की है। मेरी है। महाप्रभु, मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है प्रभु, चाहे तो गुरु दक्षिणा समझ कर रख लीजिए। गुरु जी मेरा भी हिस्सा था। चुप दरिद्री, दक्षिणा कमाने की लालच में घर से निकले थे, उल्टे दक्षिणा दे बैठे। कभी
अभी कमीशन चाहिए। हाँ जी। चुप्पे, चलते हैं सर, कहीं भी कुछ भी बकता रहता है। बकरे कृपा रहे। चल हट, पुलिस वालों की आंखों से कोई छुप नहीं सकता। सिर्फ एक तरफ ही देखोगे या सामने भी देखोगे? ए इधर आ, ये पौधा यहाँ क्यों लगाया? ये हाँ ये, चल खोद। खोल इसे। क्या है रही है? रुई के बीज। पैसे कहाँ गए? बीज बन गए घर में दिए जलाने के लिए। धोखेबाज, तूने वहां से सारे पैसे उठाए और रुई के बीज रख दिए? मैंने तो पैसे रखे थे, ये बीज कहां से आ गए मुझे नहीं पता, आपकी कसम। अरे कुत्ते, तूने मेरे पैसे कहां छुपाए पता? इसने यही छुपाए थे। सर पैसे कहीं नहीं मिले। पैसे कहां? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ना चुराए हैं ना छुपाए हैं। हे, जो भी कहना ना पुलिस स्टेशन में कहना। मेरी बात तो ले चल इसे। अरे तूने कहा और 25,000 मैंने वहां रख दिए, तूने क्या किया उनका? उसमें पैसे थे या बीज थे, मुझे तो तुम ही पे शक हो रहा है। कांस्टेबल ले ले, इंक्वायरी ले ले। बेटा पिछली रात तने पीताम्बर के घर चोरी की? मैंने नहीं की। की है तो बता दे। ले ले, तुम इंटरोगेट कर रहे हो या एंटरटेनमेंट कर रहे हो? 25 साल की नौकरी में थर्ड डिग्री भी नहीं सीखी? प्यार से पूछोगे तो क्या ये बता देगा इससे कैसे पूछना है? मैं बताता हूं, चलट। पैसे का मत मारिए, मर जाएगा सर। मर जाएगा ना, तो तू ही पूछ, कबूल करवा इससे। बता, चल बता, 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 बोल, बोल, जवाब दे मुझे, बोल, 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 ना तू नहीं रे तू। भगवान, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। आपने मुझे काला कोट देकर वकील तो बना दिया पर एक केस नहीं दिलवाया, बहुत हुआ। अब इस माचिस से मैं खुद को जला ही डालूंगा। भाई चौधरी भाई, पुलिस ने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है, अब बस आप ही बचा सकते हैं। भगवान, आपका कस्टमर केयर बहुत फास्ट है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई के साथ मैं हूँ और मेरे साथ है। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ। अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं, मेरे पास मत आना, मैंने खुद पर घासलेट छिड़का हुआ है, मेरी चिता यहीं जल जाएगी। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई केस लड़ने को मिला है। आरती में बाद में आके ले लूंगा। मेरी दक्षिणा। हाँ ये लीजिए। ए अवलदार, उस गुंडे को बाहर ला। ये सारे लोग मुझे कानून सिखाने आए हैं। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें लॉ के बारे में पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। कौन हो तुम? चौधरी, जस्टिस चौधरी। प्रूफ चाहिए क्या? तो इस काले कोट को देख ले जो मैंने सुबह इस्त्री किया है। ये ले मेरे क्लाइंट माधव के बेल पेपर, खुद ही पढ़ ले। किस बिना पर तूने मेरे क्लाइंट माधव को अरेस्ट किया है? क्या तुझे पीताम्बर सेठ के पैसे माधव के घर से मिले? कई सालों से पीताम्बर सेठ और माधव के बीच दुश्मनी चल रही है, ये बात सारे गांव वालों को, बच्चों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी पता है, और तू कहता है कि तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और इसी वजह से पीताम्बर सेठ ने माधव की बहन की शादी रोकने की कोशिश की। शायद तुझे इस बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। तुझे ये यूनिफॉर्म लोगों की रक्षा के लिए दी गई है। तू सरकारी नौकर है, पीताम्बर का पालतू नौकर नहीं है। तूने मेरे बेगुनाह क्लाइंट को ऐसे पकड़े रखा है। अगर मैं तेरा गुना कोर्ट में सेक्शन CRP 329, IPC 349, 329, 349, 529, 11 के तहत साबित कर दूं, तो तू बकरी की तरह मेरे आगे पीछे घूमता फिरेगा। और उसके बाद तू और तेरा पीताम्बर सेठ जेल में सिर्फ चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। लगता है ये केस करके हमें कोर्ट में घसीट के बांधेगा। कहो तो CM को फोन करके मैटर सॉल्व करवा दूं। यहाँ से नहीं फूटे तो फोन करने के लायक भी नहीं रहेंगे। अब अगर मेरे क्लाइंट को नहीं छोड़ा तो समझ तेरी नौकरी गई। कंप्लेंट करने वाले तो निकल गए, मैं रुको या जाऊँ? बेचारा शर्म से गई, खुद ही रिजाइन ना कर दे। वकील ने तार काट दी। सर
आप सच में वकील हैं या? क्या यार, अब क्या मैं अपनी डिग्री गले में टांग के घूमता फिरूं? लाइफ में पहली बार केस मिला और उसमें भी मैंने झंडे गाड़ दिए झंडे। शुक्रिया दोस्त। सिर्फ शुक्रिया कहेगा क्या? क्या चाहिए? फीस। फीस? वकील बाबू ये लो, फीस की जगह पे फ्यूज लो, लगा लो। मेरा प्लान अच्छा था, आपने उस पर सही तरह से अमल नहीं किया। अब और 50,000 रुपए का इंतजाम कीजिए। वो क्यों? एक और प्लान है मुझे फिर से लूटने का। ए, मेरे पहले के पैसे लौटा देना, मुझे यकीन है वो छुपाए हुए पैसे जरूर तेरे पास है। सर, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ सर। इसीलिए मेरे चरण दुखते हैं। 25 छोड़, 12.5 तो वापस कर दे। मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हो? अगर मैं इतना चालाक होता तो मैं आपके यहाँ नहीं, आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो। अरे, मेरी बात का बुरा लगा? अच्छा तो ये सारा तुम्हारा प्लान था। तुम तीनों की वजह से मेरी बहन की शादी टूट गई। तुम औरत हो? मैं नहीं मानता, क्योंकि औरत कभी दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ती। पीताम्बर, कल मैं अपने बहन के रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ। इस बार गड़बड़ हुई तो मैं जमीन में बीज नहीं, तुझे जिंदा काट दूंगा। तेरे छुपाए हुए पैसे। मेरे पैसे। तुम्हें कब्रिस्तान में गाड़ने की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तुम्हें शमशान में एंट्री नहीं मिलने वाली। बाबू राव, हाँ? मुंह बंद करो और दफा हो जाओ। भाभी जी, इन्होंने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था, इसलिए सफाई देने के लिए रुका था। अब आप कह रही हैं तो मैं अपना हिस्सा लेकर निकल लेता हूँ। अबे रुक, मेरे पैसे कहाँ ले जा रहे तू? भूल गए क्या? तुम ही ने तो कहा था आधा मेरा आधा तुम्हारा। तुम भूल गए पर मुझे याद है। अरे, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी। चल आते तो वापस आए। रुक्मणी, अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, क्योंकि तुमने माधव से अपनी दुश्मनी का बदला जो ले लिया। वैसे माधव का कसूर क्या है ये बताओगी? 20 साल पहले माधव के पिताजी ने कर्ज लिया था, तुम्हारे पापा आज तक ब्याज वसूल रहे हैं। माना कि माधव चोरी करता है, लेकिन वो एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार चोर है। हमारे घर से वो सिर्फ लेले साहब की जमीन के कागज ही ले गया, जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया उसने। वो तुम्हें अपने कंधों पर बैठा कर रोज स्कूल लेके जाया करता था, वरना तुम तो कभी स्कूल ही ना जाती। जिंदगी में पहली बार उसने चोरी तुम्हारे लिए की थी, क्या तुम ये बात भूल गई? तुमने जो गलती की है उसके लिए माधव तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन एक बात कहूँ, वो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। बुरी तरह से मारा है भैया, फिर भी तुम क्यों चुप रहे? रुको, तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? बचपन में तो कितना प्यार करती थी वो। सब जानते हैं पीताम्बर सेठ कैसा है, वो भी उनके नक्शे कदम पर चल रही है। तुम, ये कोई नया प्लान है? नहीं, मालती के रिश्ते की बात करने मैं भी साथ चलूंगी। बेइज्जती करवा के सुकून नहीं मिला, आकर क्या करोगी? मैं उन्हें समझाऊंगी कि जो भी हुआ मेरी वजह से। नहीं, तुम्हारे आंसू देखकर पिघलने वाला चौथी क्लास का माधव नहीं हूँ, नाटक बंद करो। चोट मुझे लगती थी, दर्द रुकू को होता था। हंसी मजाक में साथ देने वाली मेरी रुकू तुम नहीं हो, वो कहीं खो चुकी है। एक मिनट माधव, इसे पहचानते हो? मेरे जन्मदिन पर तुमने दिया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने किए पर पछता रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगे माधव। रुको, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ साइकिल पर नहीं बैठूंगी, समझे? मुझसे बात नहीं की तो मैं साइकिल पर नहीं बैठूंगी। लड़के वाले शादी के लिए राजी हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो एक बार मूंछों पर हाथ फेरो। क्यों? एक और बार मेरी कमर से कमरबंद चुराने के लिए। है? अरे रुको, कमरबंद चुराने की बात करती हो, मेरा दिल छुड़ा कर कहाँ भाग रही हो? पीताम्बर सेठ, कोई आया है, मैं जाकर देखता हूँ। ए, ये मेरा घर है। ओ, मैं तो भूल ही गया था, मैं वहाँ जाता हूँ। वो मेरा कमरा है। तो कहाँ छुपूं?
छप्पर तोड़कर जाने में तो वक्त लगेगा। तो क्या करें? अब क्या करें? तुम बताओ ना। डरते क्यों हो? दरवाजा खोलो, मैं यहीं बैठता हूँ। पीताम्बर, ओ पीताम्बर, जाओ दरवाजा तोड़ देगा। अब पहले तुम छुप जाओ। दरवाजा से ही भगा देना। नमस्ते। ओ क्या बात है, नहा के निकली हो? पापा नहीं है। जानता हूँ, घर में कोई नहीं है इसीलिए तो आया हूँ। मुझे दरवाजा बंद करना है। मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें, पहले जाकर पानी और चकना लेकर आओ। ये शराब का अड्डा नहीं है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं ड्यूटी छोड़कर आया हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, तो चलो बेडरूम में चलते हैं। के तहा मारा है इसे। अच्छा है जिंदा है, मरा नहीं, वरना इसका क्रियाकर्म हमें ही करना पड़ता। और ये दोनों मोटे मिलकर इसकी हड्डियां जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? अबे धीरे धीरे, बेवकूफ कहीं का। बस हो गया, नीचे उतर, मारेगा क्या इन्हें? ये बूटी खाने के बाद इनको पेशाब में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, पेशाब भी ठीक से नहीं आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी सी रुक रुक कर आ रही है ना। तुम्हारे काम के सारे पुर्जे तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी धुलाई सिर्फ माधव ही कर सकता है। अब उसी ने मुझे मारा, गारंटी क्या है? अरे उसने मुझे भी ऐसे ही मारा था। एक बार जब मैंने उसे रेशमा के घर पर पकड़ा था, तब की बात है। हाँ। सबसे पहले उसने मेरी गर्दन तोड़ी, पेट सुझा दिया, एक पुर्जा नहीं छोड़ा कमीने ने। एक हफ्ता नहीं, दो हफ्ते तक मैं पेशाब नहीं कर पाया, पेट फूल गया था, सूसू बंद। कच्चे दूध में सांढे का तेल मिलाकर पिया, तब राहत मिली। ये काम उस माधव का ही है, क्या कहते हैं? वो मारता तो ये हॉस्पिटल में होते। मजाक उड़ा ले, लेकिन जैसे तूने अपनी बीवी के साथ किया था ना, वैसे ही वो तेरी बेटी के साथ कर रहा है। बेटी का नाम मत लेना वरना जिंदा काट दूंगा। एक गुस्सा मुझ पर नहीं, जाकर अपनी बेटी पर उतार। जल्दी जा, नहीं तो मुंह काला करके बैठ जाएगी। क्या कर रही थी उसके साथ? रुक जाओ, उसकी जान लोगे क्या? हट जा वरना तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो, छोटी सी बात के लिए बेटी की जान लोगे क्या? कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी तुम पर ही गई है। नौकर हो के अपनी औकात भूल रहा है तू? ना ही मैं तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजता, और ना ही तू मुझे ये दिन दिखाती। चल, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ रुक जाइए ना, मैं इसे समझाऊंगी। हाँ, अगर तू इसे समझाएगी तो ये उसके साथ भाग जाएगी। इस कमरे से बाहर मत निकलना, बाहर निकलने की सोची भी तो याद रखना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। नारियल ही छिलोगे या चाय भी पियोगे? मुझे नहीं पीनी, शायद इस बटले को पीनी हो। ओ, ए, जब मैं नारियल काटता हूँ तो दूर रहकर, किसी दिन गलती से तेरा सर काट दिया ना तो हाइट और कम हो जाएगी। ए राधे, अपनी हद में रहे और बड़ों को इज्जत देना सीख। तेरी हद तो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। हद की बात मत कर, मैं इसी गाँव में पला बढ़ा हूँ। क्या
तू इसी गांव में पला बड़ा है। हाँ। माना तू इस गांव में पैदा हुआ है लेकिन खेला कूदा किसी और गांव में। अबे डूब के मरेगा क्या? इतने से पानी में कैसे डूबेगा? ये आधे ग्लास पानी में भी डूब सकता है। क्यों भाई, शादी की तैयारी जोर से चल रही है। आइए सर। प्रभा अकेली आई हो? पति कल आएंगे। मालती प्रभा को ले जाओ। माधव माधव माधव, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी आओ तो। पर बात क्या है? पीतम्बर का केस कोर्ट में आ चुका है, तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट निकला है, शादी से पहले तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है। कोई और सबूत है जिससे साबित हो कि डॉक्यूमेंट्स पीतम्बर के पास? नहीं। हर महीने ब्याज भरते हो क्या, उसकी कोई रसीद है? नहीं कुछ नहीं। यही गलती सब करते हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की। बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो तुम कोर्ट में 1,00,000 रुपए लेकर आ जाओ या पीतम्बर केस वापस ले ले। तू परेशान मत हो, शादी निर्विघ्न करनी है तो हमें झुकना ही पड़ेगा। देख भाई पीतांबर, माना तुम दोनों में दुश्मनी है, पर इसमें मालती का भला क्या दोष? मान लिया इसे इसकी बहन की फिक्र है, पर मेरी बेटी का क्या? अगर इस चोर का इश्क तुम्हारी बेटी से होता तो पता चला। पहले इससे कह दो कि ये मेरी बेटी को भूल जाए। ठीक है, आप कहते हो तो माधव आपकी बेटी को भूल जाएगा। आप माधव के घर के पेपर दे दो और केस वापस ले लो। तुम्हारा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं, तुम चुप ही रहो। माधव को कहने दो ना। ये खुद कहेगा। ये क्या कहेगा, इसकी तो बोलती बंद है। ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं, प्यार है। ये ड्रामा ही तो है, ये नाटक हम सब ने मिलकर रचा है। ये आपकी बेटी से सचमुच प्यार नहीं करता। शांति शांति, इससे पहले कि ये अपनी बात से मुकर जाए, रुक्मणी को ले आओ। ये बर्तन चुराने वाला, दूसरों के कपड़े चुराने वाला मेरा जमाई कैसे बनेगा? बेटी आज इसने अपने इश्क का भांडा खुद ही फोड़ दिया। सुन, ए, चुप क्यों खड़ा? इस दिन के लिए तो हमने ये नाटक किया था, चल बता दे, बता देना। अरे इससे अच्छा मौका ना मिलेगा, बता दे उसे। मैंने अपने घर को बचाने के लिए तुम्हारा सहारा लिया, मैंने प्यार का नाटक किया था, लेकिन अब बस कुछ मत कहो। ये जानते हुए भी कि तुम चोर हो, मैंने तुम्हें चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I hate you। नहीं रुको, प्लीज रुको, मेरी बात तो खबरदार, मेरी बात तो सुन बेटी। माना तुम छप्पर फाड़ के कई बार मेरे घर आए हो, अब तो मेरी बेटी भी तुमसे नफरत करती है, निकलो। उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, पर सच्चाई ये है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। 20 साल तक सिर्फ तुमने उसकी परवरिश की, लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि वो चाहती क्या है? कैसे बाप हो तुम? सिर्फ घर के कागजात ही क्या, अगर तुम दुनिया भर की सारी जायदाद भी मेरे नाम कर दो तो भी मैं रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना है कर ले। अरे माधव माधव। सर मैं इसका प्लान समझ गया, ये जल्द ही आपको नाना बना देगा। चुप रह, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। सब ठीक हो जाएगा, रो मत। इतने साल तुमने ऐसा दिखावा किया जैसे तुम अकेले हो और मालती की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, अब क्या हुआ अपने प्यार की खातिर अपनी बहन के रिश्ते की कुर्बानी देने चले हो? जिसके पास दिल होता है वही दिल की बात समझता है, आप नहीं समझेंगी। सुना जी आपने इसने क्या कहा, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। चलिए जी चलिए। ऐसे कपड़े तो पहनने दो। ऐसे ही चलिए। माधव माधव माधव, तूने पीतांबर को सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। वो रुक्मणी की शादी खाली चरण से करवा रहा है, रुक्मणी की शादी हो जाएगी और मालती की शादी अटक जाएगी, अब क्या होगा? माधव भाई, गोपी इतनी रात को? उस दिन तुम्हारे घर जो भी हुआ उस वजह से मेरे माँ बाप शादी के खिलाफ हो गए, पर तुमने मेरे घर आकर सारी सच्चाई बता दी। अब वो मान तो गए हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? देखो कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। पर कोर्ट में जो पैसे भरने हैं उसका क्या? उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ। ये लो। क्या है? 1,00,000 रुपए। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, इन्हें तुम कोर्ट में जमा कर दो और इस मुसीबत से बाहर निकलो। गोपी मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है यार। आप वकील के पास जाइए और मामला सुलझा लीजिए। एक बात और, इस बात का पता किसी को ना चले कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, टेक केयर। सुनो कल सुबह टाइम पे आ जाना, बहुत सारे काम बाकी हैं, अब जाके लेटो, आज का पगार ले लो और सल्टो। स्वामी
तूने सही वक्त पर पैसे का जुगाड़ करवा दिया। अब बहन की शादी अच्छे से करवा दे, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ गुरुजी, गुरुजी जरा वहाँ देखिए, माधव लेटा हुआ है। अरे हाँ, मंदिर के दरवाजे बंद कर दे। हाँ। माधव, माधव बेटा, ये मंदिर है, सोने की जगह नहीं, घर जाके सो जाओ। क्या हुआ, आँखों में कुछ गया है क्या? कुछ नहीं पुजारी जी, मैं हमेशा कहता था ना कि अगर सच्चे दिल से मैं मूछों पर हाथ फेरूंगा तो भगवान खुद चलकर आ जाएंगे। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, रात को आकर मूछों पर हाथ फेर कर गया, जरूर कुछ मनहूस होगा। पनौती मारा क्यों बे गुरु? ऐसे ही गुरुजी, गुरुजी मंदिर से भगवान गायब है। बगले, भगवान को कोई देख पाया है? इसीलिए तो हम मूर्ति को पूछते हैं। वही तो, मूर्ति ही तो गायब हो गई है। मालती, मालती, माधव कहाँ है? पता नहीं, रात से घर नहीं आए। क्या हुआ? मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। गांव वालों को शक है कि माधव ने चुराई है। मालती, मालती क्या हुआ? राधे क्या हुआ? ए, मालती की शादी के लिए तूने मंदिर से मूर्ति चोरी कर ली? चोरी? मैंने? मालती मेरी बात बस बहुत हुआ। तुम हमेशा कहते थे ना कि सच्चे दिल से अगर मैं मूछों पर हाथ फेरूंगा तो भगवान सामने आ जाएंगे। मुझे लगा तुम मजाक करते थे, मगर मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि तुम इतना घिनौना काम भी कर सकते हो। भैया इतने सालों से मैं ये जानते हुए भी चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए चोरी करते हो, पर आज तुमने मेरी शादी करवाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान की मूर्ति तक चुरा ली। लोग मुझे चोर की बहन कहते थे तब मुझे बुरा नहीं लगता था, पर आज मूर्ति चुरा कर तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। मालती, सर, सर मैंने मूर्ति नहीं चुराई। सर आपको भी यकीन नहीं? बंद कर ये नाटक। अगर तूने मूर्ति नहीं चुराई तो तेरे पास वो 1,00,000 रुपए कहाँ से आए जो तूने कोर्ट में जमा कराए? है तेरे पास इसका जवाब? जवाब दे। वो इस बात का पता किसी को ना चले कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। तूने मूछों पर हाथ फेरा तो प्रसन्न होकर दान पेटी से 1,00,000 रुपए निकालकर भगवान ने दे दिए? सच उगलवाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखो मत, हाथ साफ करो। अबे मुझे नहीं, उसे मार। छुपाई है तूने मूर्ति? बोल, ए इधर ला। चल, चल। ए, सुन, गांव वालों के आने से पहले निकल जा यहां से, ये सोच के खाकी वर्दी में भगवान ने आकर तुझे बचा लिया। चल सर, मुझे पता चल गया मूर्ति के बारे में। नहीं सर, आप एनकाउंटर करने वाले हैं ना? तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। जल्दी से निशाना लगाइए सर, वो रेंज में है, निकल जाएगा।
कुत्ते, तू जिन गोलियों को ढूंढ रहा है वो तो मेरे पास है। अच्छा हुआ तूने मेरी बेगुनाही साबित करने का मुझे मौका दे दिया। थैंक्स। ए, जाने ना पाए, पकड़ो उसे। ये भी कोई बात हुई? हमने उसे तुम्हारे हवाले किया, तुमने भगा दिया। वो कमीना मुझे। कल सुबह भगवान की महापूजा है, आजू बाजू के गाँव वाले भी आने वाले है। अब बताइए बिना मूर्ति के पूजा कैसे होगी? माधव जरूर यहीं कहीं छुपा होगा, चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। बिना बिजली के कैसे ढूंढोगे? चलो ढूंढ के बताओ। चलो उठो, हमारा प्लान चौपट हो गया है। इस गांव के सारे लोग माधव को ढूंढ रहे हैं। अभी हमने मूर्ति बाहर निकाली तो हम सब पकड़े जाएंगे। मेरे भाई का फोन आया था कि उन्हें मूर्ति जल्दी चाहिए। ए, तेरे भाई को बोल मूर्ति मिल जाएगी, समझा? जब तक माधव पकड़ा नहीं जाता हम मूर्ति नहीं निकाल सकते। तुम सब लोग यहीं रुको, ठीक है? हाँ। ए, ये क्या, ये चोट कैसे लगी? पुराने कुएं में उतरा था इसलिए चोट लग गई। अरे बाप रे, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। चिल्लाई मत, मैं हूँ। अरे माधव, तुम बेटे, कल तुम्हारी बहन की शादी है और ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरी बहन मालती की फिक्र हो रही है, वो मुझे गलत समझ रही है। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। जब पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई तो गांव वालों ने घर में घुसकर तोड़ फोड़ की और शादी का सारा सामान ले गए। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये बताओ, वो मूर्ति? वो मूर्ति चुराने वाला और कोई नहीं है, काली है। हाँ? टूटा ताला देखकर मैं समझ गया था कि वो मूर्ति तुमने नहीं चुराई है, क्योंकि तुम तो हमेशा छत से घुसते हो। कोहर कलयुग है, अगर पुलिस ही चोरी करने लगे तो हम जैसे चोरों का क्या होगा? हाँ? अच्छा बताओ, अब वो मूर्ति कहाँ हो सकती है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या हुआ? अरे तुझे कुछ नहीं, दीवार चढ़ते वक्त खरोच आई। ये चोट कैसे लगी? पुराने कुएं में उतरा था इसलिए चोट लग गई। चाचा, मूर्ति का पता चल गया, आपके घर के पास पुराने कुएं में। हाँ? मुझे लगता है वो मुझे भी इस केस में फंसाना चाहता है। चाचा जल्दी चले। मूर्ति, अब क्या करें? तुम भी चोर हो, मैं भी चोर हूँ। भगवान की मूर्ति काली ने यहाँ पर छुपाई है, अगर हम कहेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। अब ऊपर से खुद भगवान आकर थोड़े ही ना बताएंगे। सच कहा चाचा, इंस्पेक्टर जब मूर्ति निकालने आएगा तो गांव वालों से उसे रंगे हाथों पकड़वा देंगे। चाचा हाँ? तुम मेरी मदद करोगे? ये क्या, बताओ क्या करना है? चलिए बताता हूँ क्या करना। चल चल, इसमें छुप जाइए। जब तक काली मुझे पकड़ नहीं लेता है तब तक वो मूर्ति निकालने नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो यहाँ जरूर आएगा और उससे पहले मैं आपको छुड़ा कर ले जाऊंगा, ठीक है ना? छुप जाइए। ठीक है, अच्छा सबक सिखाएंगे। वो चालाक है तो हम भी उसके बाप है। काली की करतूत पूरे गांव वालों को दिखाएंगे। वाह, दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ेगा या गधे पे बैठेगा? तेरा हिसाब चुकाने के लिए मैं आया हूँ। क्यों बे साले, मुझे भगा कर एनकाउंटर करेगा? चोरी करे कोई और भरूंगा मैं। जिस वर्दी की हम हिंदुस्तानी इज्जत करते हैं आज तूने वो भी नहीं पहनी। अब तुझे धोऊंगा तो अरेस्ट करेगा। तुम अरेस्ट। मेरी मूछे निकालेगा, मूछ की पावर देख। आज तक मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, आज मुझे एक नेक काम करने का मौका मिल रहा है। भगवान माधव को बचाना। तू मेरी रुकू से शादी करेगा? आज मैं तुझे तेरी बर्बादी का सहरा पहनाऊंगा। अब
तो मैं हूँ। तू तो खुद को कानून के हवाले करने वाला था, फिर उसे मार क्यों रहे हो तुम? सच कहा, भूल गया था। चलो जाओ, पकड़ो उसे। रुको, क्यों तो? अब मैं उस मूर्ति को बेचकर माला माल हो जाऊंगा और फिर रुक्मणी से शादी करूंगा। तुम लोग सारा सामान पिताम्बर के घर पहुंचा दो। हे, तुझे मैं शादी की बात खत्म करूंगा। ए, चल रहे। रुक्मणी, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं तो पापा से बात करो। कोई फायदा नहीं, जिसे चाहा उसने तो धोखा दे दिया। अब मैं पापा को धोखा नहीं देना चाहती। अच्छा ठीक है, ये साड़ी पहन लो, सब बाहर चलो। सुन, गांव वालों को पुराने कुएं के पास लेकर आ जल्दी। ठीक है। हे, बहन कैसी है? ए, जाओ। गोली सही निशाने पे लगाना, अगर चूक गया तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। काली, हमारे गांव की मूर्ति बहुत शक्तिशाली है, इसे चुराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। माधव, आज भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आगे नहीं आना, गोली मार दूंगा। कोई आगे नहीं आएगा। पीछे रहना। चाचा, कमाल कर दिया तुमने। मार डालो। मजाक उड़ा रहा था ना कि मन्ना इंटरोगेशन करना नहीं आता। आज मैं तन्ना इंटरोगेशन और एंटरटेनमेंट दोनों करके बताता हूँ। सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे।
तुम्हें अपनी बिरादरी का दामाद चाहिए था ना, और बनाओ इसे दामाद, शादी करवाओ और हनीमून के लिए जेल भिजवा दो, ले जाओ। ए, मेरी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढूंगा तो हजार मिल जाएंगे। हाँ, तुम इन्हें पहचानते नहीं, ये भले ही कंजूस हैं, पर बाजार में पैसे फेंक कर एक बढ़िया सा नमूना ले आएंगे दामाद बनाकर। नमूना नहीं, राजकुमार। चलो बेटी चलो। चोर ने पुलिस वाले को पकड़ा है। मालती मालती, असली चोर पकड़ा गया, माधव ने मूर्ति नहीं चुराई थी। मालती मालती मालती, दरवाजा खोलो। मालती मालती मालती। ओम सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविघ्ननाशिने मधुसूदनाय स्वाहा, ओम नारायण नमः माधवाय नमः। जी माफ करना जी, चोरों के साथ आपको भी बांध दिया, हमने बड़े साहब को फोन कर दिया, बस वो आते ही होंगे। जेल की यात्रा मुबारक हो जी। आ गया, मेरी बेटी की शादी देखने आया है? अरे होश उड़ जाएंगे तेरे अगर लड़के का चेहरा देखेगा तो। बहुत खुशी का दिन है। कैसा लगा तुझे? अच्छा है ना? चल अब जा। शांति, दुल्हन को लाना जरा। बंद हो गई ना तेरी, कितनी बार तूने नाटक कर करके मेरा बीपी पढ़ाया है, आज अटैक आते आते बचा ना। पीताम्बर सेठ, क्या बात है, इस शादी का सारा खर्च तो आप ही कर रहे हैं, अगर इसी मंडप में रुक्मिणी और माधव की भी शादी हो जाए तो मजा आ जाए, एक ही मंत्र से दो दो शिकार। गुरुजी, पैसे दोनों के चार्ज होंगे ना? तेरा कमीशन छोड़ कर। पीताम्बर, मुछों पे हाथ फेर रही है, हाँ कर दे वरना लेके भाग जाएगा। मेरी तरफ से तो हाँ है, अब ये भाग कर शादी करे या यहाँ इस मंडप में शादी का नारियल मैं ही तोड़ूंगा। ओ, दर्द चला गया? सेठ जी, 12 साल पहले ऐसे फटका मारा होता तो इस पट्टे को गले में डालकर आपके पीछे पीछे नहीं घूमता। आ जा सब्जी मंडी। फोन खोल दूं? माधव माधव, हम कैसी गए? रे यहाँ तो सुलह भी हो गई। सुलह हो गई? हाँ। नो, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे काबिल वकील बेरोजगार हो जाएंगे। लो ठंडे हो जाओ। अरे माधव, सुहागरात के लिए तैयार हो जा, सिग्नल मिलते मैं फ्यूज निकाल दूंगा। अभी छत से आना जरूरी है क्या? इस तरह नहीं आऊंगा तो मूड नहीं बनेगा। दूर क्यों हो, पास आओ।